नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय। हाय विश्वरामू, गेट अप गेट अप गेट अप। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। हे रामू, गेट अप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पी। जीते तो $4 और हारे $2, ओके? ओके। अच्छा, हम में से विश्वनाथ कौन है, राम मोहन कौन है, क्या तुम आज बता सकते हो? पशु विशु नहीं जुनो, आज भी तुम हार गए। मैं हूँ विशु और ये है राम मोहन। सॉरी, काल जीत का दिखाएगा। ओके, सी यू इन द इवनिंग। बाय डैड। बाय विशु। बाय रामो। बाय। क्यों क्यों क्यों, भरते जनरल नॉलेज है लेकिन विशु कौन है, रामू कौन है, क्यों नहीं बताने को होता? ए जुनो, अगर सिर के अंदर जरा से अकल हो तभी पहचानोगे ना, तुम्हारे खोपड़े में सिर्फ भूसा है। लेकिन बाबूजी, आपको कैसे मालूम पड़ता है? मैं उनका बाप हूं रे। ठीक है, आपको पता चल जाता है लेकिन अपुन बौखला जाता है। एटलीस्ट ड्रेस तो उनको अलग रंगों की पहनवाई है ना। नो 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 नो, कमीज में भी फर्क नहीं होना चाहिए, फर्क से भेदभाव पैदा होगा, उसके बाद जुदाई होगी। मरते दम तक मेरे बच्चों को जुदा नहीं होना चाहिए, इसलिए छोटी सी बात में भी फर्क ना आए ऐसे पाला है उन्हें। Its monocular structure is far denser than a pile on the posterior. Though we're apart, you're in my heart. Sweet memories.
You carry on. I'll be back. Excuse me. Thank you. I'm Krishnamurti from Washington, D.C. I'm Rajamani from Rameshwaram. ये बात है, आप अमेरिका कब आए? जब ये दोनों गोदी के बच्चे थे तब अवर्ची बन के यहाँ पे आया। फिर रफ्ता रफ्ता ईश्वर की दया से इस रेस्टोरेंट का ओनर होकर यहीं बस गया। ओह आई सी, तो ये दोनों आपके बेटे हैं। वेरी स्मार्ट ट्विन सर। थैंक यू। दोनों डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, सारा दिन कॉलेज में रहते हैं, शाम को यहाँ पे मेरा हाथ पड़ा। अच्छा? काफी। हेलो सर। हाय। बाय द वे, मेरे अमेरिकन फ्रेंड माइकल सोलोमन को आपकी प्रिपरेशन बहुत पसंद है। अपने बंगले पर उन्होंने दावत रखी है, उस दावत में 20 लोगों के लिए इंडियन फूड बनवाकर भेजना मुमकिन होगा? ओह कल तो, आई एम वेरी सॉरी सर, कल वीकेंड है, कल रेस्टोरेंट बंद है। पूरे हफ्ते मैं और मेरे बच्चे आराम किए बिना 15-16 घंटे काम करते हैं, दो मिनट भी हंसते बोलने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए शनिचर को बिना किसी को बताए हम कहीं भी भाग जाते हैं। भाई कोलंबस कोलंबस छुट्टी है आई, आओ कोई नया मुल्क ढूंढे चल के भाई, छुट्टी 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 कोई लहर दिल में उठी, छुट्टी 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 कोई लहर दिल में उठी, ऐसी जगह दिल करता है चलो, दुनिया की कोई बुराई जहां ना हो, फौजी तैयार जिंदगी को मेहनत हम पंख लगा के उड़ना सीखे, इस अंबर की सैर करें, परदेसी है पंछी बन के नगर नगर की सैर करें, फिर दरिया की ओर जाए ऊंचे नीचे मौजे आए, ऐसे झूले झूलाए आए नींद में। Yeah, yeah, I listen. Yeah, yeah, I listen.
में उठी छोटी 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 कोई लहर दिल में उठी रामू मैं ये फूड पैकेट स्टाफ को देता हूँ जाके ओके तू इन फ्लाइट सर्विस में डिलीवरी दे दे ओके ऑलराइट कहाँ गया हाय जिम योर लंच पैक थैंक यू इसे देख ओ गॉड कहाँ रख दिया पॉकेट में तो रखा था यार कैसे मिस हो गया पता नहीं कहाँ गया व्हाट इज योर प्रॉब्लम वी हैव लॉस्ट आवर अमेरिकन एड्रेस विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ वेयर यू आर गोइंग टू स्टे We will never allow you inside the United States of America. मर गए। अरे मधु, हमें क्या वापस इंडिया को भेजने वाला है? तू शिबू मामा का नाम बोलना। अरे दादी। बोलने वाली नहीं, मैं बोलती हूँ, दादा। She's a patient. No, operation. No, sorry. I only need an address. नहीं है, घुमा दिया ना। आप इंडिया से आए हैं? हाँ। मेरा नाम विश्वनाथ है। Any problem? बेटा, अपने देशवासी हो, अच्छे वक्त पे आ गए। ओ दादी, please, चुप रहो, चुप रहो। हिंदी में बोलो, तूने सुना? मैं हूँ मधुमिता मेरा भाई मादेश ये दादी है मेरी धनमती नमस्ते हमें इनका यहाँ के हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाना है इसलिए मद्रास से आए हैं हम लोग यहाँ के शिबू मामा का एड्रेस इसने खो दिया है इमिग्रेशन वाले हमें जाने नहीं दे रहे फिक्र मत कीजिए मैं बात करता हूँ मिस्टर स्टूअर्ट या दिस पीपल आर फ्रॉम माय प्लेस आई विल ऑथराइज देम हियर इज माय आईडी ईश्वर Are these edible? All vegetables. ये अचार मूली का है pickle, pickle. ये आमला ये चिक्की मिठाई इंडियन केक All very nice. ये इमली का पेस्ट है ठीक से दिखा आम के टुकड़े All my favorite, दादा As per law, edibles are not allowed into the United States. All these things into the garbage. अरे अरे गया गया सब कूड़े में फेंक दिया दादा दादा बेटा विश्वनाथ तुम आ गए ये सारे पिकल मैं खाने को लाई हूँ इन्हें बोलो दादा दादा ये इंग्लिश में बताएंगे दादी माँ अचारों में कीटाणु होते हैं इसलिए मना कर रहे हैं राजा मैं अचार के बिना मर जाऊंगी बेटा जो भी अचार चाहिए आपको और जितना भी चाहिए मैं दे दूंगा विश्व इन लोगों से पीछा छुड़वा के हमें बाहर पहुँचा दो बेटा पुण्य मिलेगा तुम्हें अरे फटाफट चल तमाशा क्या देख रही है कौन मैं अरे अरे इधर तो पैर फिसल रहा है संभल के दादी कहाँ फंस गए अमेरिका में जल्दी ऊपर जा एयरपोर्ट कभी नहीं देखा क्या जल्दी आ बेटी अरे वो लड़का तो भागा जा रहा है कहाँ गया ओहो सिर में अलग दर्द हो रहा है कहीं फुर से उड़ गया मुझे लगता है धीरे चलो दादी इस तरफ से आ गया हेलो हेलो वेयर आर यू गोइंग वी आर हियर हेलो जाहिलों की तरह मत चिल्लाओ अरे ए, तुझे इंग्लिश नहीं आती तो तू चुप रह वो जा रहा है पकड़ उसको कम कम पास कम दादी 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 क्या ये जेंट्स टॉयलेट है ओ इसीलिए छलांगे मार रहा था भाग फट से पकड़ ले जगह नहीं तो वो कहीं और भाग जाएगा उसे कस के दबा जाता हूँ सरकार ले खटिया जाड़ा लगे हाय हाय ज्यादा जोर से आया था ना ओ हिंदी बोलते हो है? मैंने अब तक क्या चाइनीज में बात की थी है नाम क्या है इतनी जल्दी नाम भी भूल गए महादेश महेश महादेश हाउ इज दैट Don't run, यार। चलो 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 तू जल्दी चल बेटा हेलो हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं चल बेटा हॉले चल हेलो हेलो क्यों रहा है ये क्या अरे गायब हो गया ये क्या चक्कर है अरे मादे आप लोग कहाँ थे मैंने हर जगह तलाश किया खुद घूमोगे हमें तलाश करें ओह इट्स अ बिग एयरपोर्ट इट ऑलवेज हैपेंस मद्रास लाइन मिली क्या नहीं नहीं मिली ये लीजिए आप ट्राई कीजिए मैं जरा होके आता हूँ काका वहाँ क्या वहाँ हाँ वहीं एक्सक्यूज मी कॉल फॉर यू हेलो अरे चल चल पकड़ता हूँ वहीं पकड़ लेंगे उसे छोड़ेंगे नहीं रामू कहाँ है तू आउटगेट पे क्या यहाँ एक हिंदुस्तानी फैमिली इमिग्रेशन में फंस गई थी मधुमिता धनवंती दादी महेश वो तीन लोग हैं मैंने ही उनकी मदद की
वहां शिव भूषण नाम का कोई आदमी है तो देख। हाँ हाँ हिंदुस्तानी है वो। वो नहीं आया हो तो एक टैक्सी पकड़ के उस शिव भूषण का एड्रेस किसी तरह मालूम करके इनको वहीं भेज देंगे। वो फैमिली अभी तक लाउंज में ही है, तो वहीं आ जा। Excuse me. I like the way you move. I like the way Mr. Mahesh. Mahesh, Mahesh, Mahesh. That's all right. No, it's not all right. Mahesh, बिल्कुल सीधा नाम है यार। एक दफा मेरा नाम सही बोल दो। Mr. Mahesh. ओए, मुझे गुस्सा मत लो। Hello, hello. Excuse me. आप तो बढ़िया। Hey, relax, relax. कंफ्यूज हो गए ना, हम दोनों ट्विंस हैं। मैं विश्वनाथ हूँ, ये राम मोहन। आप दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। इसलिए ये दोनों बारी बारी बाथरूम में जाते और आते थे। समझ गए। रामू, तुझे शिव भूषण मिले क्या? वो शायद नहीं आए, इसलिए एक टैक्सी रोक ली है मैंने। टैक्सी? हम लोग कहाँ जाएंगे? जस्ट अ सेक, मिस मधुमिता, मद्रास लाइन मिल गई, उनसे शिव भूषण का एड्रेस ले लीजिए। कमबख्त, बड़ा धोखेबाज निकला मेरा भाई। क्या हुआ? शिबू मामा शहर में नहीं है, एक अपार्टमेंट का एड्रेस दिया है डैडी को। थैंक्स अ लॉट। नेवर माइंड। बाय द वे, ये लीजिए मेरा कार्ड, इसमें मेरे घर का नंबर, रेस्टोरेंट का नंबर सब है। सो एनी टाइम एनी हेल्प, प्लीज गिव मी अ कॉल। या श्योर। या दादी मां को किस हॉस्पिटल में ले जा रही हैं? यूएलए हॉस्पिटल में। अरे उसी कैंपस में ही तो पढ़ते हैं हम लोग। तब तो हम मिलते ही रहेंगे। ओके थैंक्स। उस शिबू के बच्चे के भरोसे अमेरिका आए हम लोग, ऐसी कैसी बिजली गिर गई करम फूटे के सिर पे। नीच धोखेबाज, मद्रास जब आता था तो दीदी दीदी कह के मेरे पीछे घूमता था। बीमार दीदी है मेरी, ऑपरेशन के लिए 20,000 मिल से यहाँ पे आई है। उसे जरा भी तकलीफ ना हो, बंदोबस्त ठीक हो, वो ख्याल नहीं आया कुत्ते को। वो मनहूस एयरपोर्ट पे नहीं आया, अपने खुद के बंगले पे भी नहीं ठहराया। देखो तो, परायों की तरह हमें किसी भाड़े के मकान में लाके पटक रहा है जन्म जला। दादी माँ। हाँ। लो खाओ। क्या है ये? ओहो, 24 घंटे हवाई जहाज में ऐसी ही सूखी रोटी खा खा के मेरी तो जवान सुन हो गई। कुछ खट्टा चटपटा खाना हो तो अच्छा होता। वो अचार की बोतलें भी कस्टम वालों ससुरे निगल गए। कुछ नहीं खाना मुझको। क्या है अमेरिका में, मैंने जिद की थी, भला होता वहीं रहकर मर जाती। मधु, मधु, बहुत दर्द हो रहा है। मधु। दादी। Okay, you must sign the form and pay the fee. Yeah. Hey, tu ja, fees de kya foran. Madhu? Huh? Operation kab hone wala hai? Parso. Parso? Dadi ma? Huh? Sign karo. Kis liye? You hi formality ke liye. Sign karo. Karo, dadi ma. Kar to rahi hu. मधु, सच बता मुझे, साइन किस लिए करवाए? सारे हॉस्पिटल्स में ये रिवाज होता है दादी। रिवाज होता है? कैसा रिवाज? अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मर जाऊंगी कह रहे? हाँ, मैं जानती हूँ, मरने वाली हूँ मैं, मेरी मौत नजदीक है। सर पे लेजर पड़ते ही मैं पट से मर जाऊंगी। मेरी जिंदगी आज भर की है, मेरे जीवन का आज आखिरी दिन है। ओहो दादी प्लीज। मैं जानती हूँ। इस जगह को देख, तुझे ये जगह समाधि जैसी नहीं लगती? दवाओं की गंध, ये डॉक्टर्स, बीप बीप की आवाज, ये सन्नाटा, ये बैंडेज, कॉटन। मैं यहाँ नहीं मरूंगी, यहाँ से किसी जगह, कहीं भी तू ले जा मुझे, कहीं भी। दादी, सिनेमा, ड्रामा, बाजार, समंदर किनारे ले चल मुझको, सारी चीजें जी भर के देख के आंखें कस के बंद करके सो जाऊंगी। इसके बाद ये लोग जो जी चाहे करे, मुझे कोई परवाह नहीं। मधु, लोग जीवन में ही खुश रहे वो काफी नहीं,
मरते वक्त भी खुशी से मरना जरूरी है। ये जगह मुझे अच्छी नहीं लगती, यहाँ से मुझे कहीं और ले चलवा दो। यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है दादी, ये कैसे मुमकिन होगा? किसी भी तरह, अरे कुछ भी कर, अगर अगर ना बोला तूने बेटी तो ऑपरेशन से पहले मैं घुट घुट के मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। ओह चुप रहो दादी, मैं इंतजाम करती हूँ। मिस्टर विश्वनाथ। हेलो मधुमिता, हाय, बैठिए। मिस्टर विश्वनाथ। नमाइए, कैसे आना हुआ? मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए, मेरे साथ आना मुमकिन होगा? क्लास स्टार्ट हो गई है, खत्म होने के बाद आऊं तो? ये बात है, बहुत टाइम लगेगा। मगर ए, कोई अर्जेंट काम लगता है शायद, तो जान के साथ। मैं क्लास में जाता हूँ, शाम को मिलेंगे तो बात करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू। Right side of the brain, a small tumor. बहुत सीरियस है क्या? इंडिया में सीरियस होगा, यहाँ ये ऑपरेशन च्युइंगम चबा के थूकने जैसा है। Very simple. फिकर मत कीजिए। मुझे नहीं है, दादी को बड़ी फिकर है, बहुत रेस्टलेस हो रही है, हॉस्पिटल का माहौल उन्हें पसंद नहीं है, बाहर ले जाने को कह रही है। वो उनको बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ बहुत स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं, मगर हम लोग बाहर कहाँ जाएंगे, शहर अनजाना है, कोई जान पहचान नहीं है, आपसे जरा सी मदद लेने के लिए। घबराइए नहीं, आइए। वो आ गया। हाय। बाय। क्या कहा? बाय। जाने दो, चलो जल्दी, चलो जल्दी बैठिए, चलिए निकलो। बिरयानी बिरयानी बिरयानी, धनी को चाहिए बिरयानी बिरयानी। तुमने कहा था अमेरिका दिखाओगे, ये अमेरिका है। धनी तुम्हारे भी नखरे बहुत हैं। नहीं दादी माँ, ये हमारा रेस्टोरेंट है। अच्छा अच्छा। आइए 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 आइए। दादी माँ, ये है मेरे फादर राजा मणि। नमस्ते। दादी का नाम धनवंती है, मधुमिता, और ये है माधेश। महेश? नो, माधेश माधेश माधेश। ओहो, इस बेचारे का ऑपरेशन है। तो मेरा नो। ये क्या बड़ों से बदतमीजी से बात कर रहा है? अभी बच्चा है, अच्छा खाना नहीं मिला इसलिए जबान स्वाद भूल गई होगी। बैठिए, पहले भरपेट अपने देश का खाना खाइए, आधी बीमारी दूर हो जाएगी। रामू आओ। हाय दादी माँ। हाय रामू। हेलो। हेलो। हाय माधेश। हाय। लपक नहीं। विशु, ये खाना बहुत हेवी लग रहा है, दादी इसको खा सकती है ना? डोंट वरी, सब कुछ खा सकती हैं, पेट की सफाई करके ही ऑपरेशन करने वाले हैं, इसलिए इन पर कोई कंट्रोल मत लगाइए। आई टेक केयर। ओके। हाय एवरीबॉडी, बॉन एपेटाइट, ऑल जूनियर स्पेशल, बहुत अच्छा दबा के खाइए, कैलिफोर्निया कस्टर्ड, कोटाकारा, ओ जिम्बो, माले मंगा। ओ जिम्बो तो। क्या के? क्यों माले? बहुत उम्दा खाना है, ए, इसे हजम करने के लिए दना दन नाचना होगा। अरे तो रोकता कौन है, नाचिए। ओह, इस उम्र में? वो तो मैंने मजाक में बोला था। ऐसी है हमारी औरतें, नाचने की मन में इच्छा होती है लेकिन इच्छाओं को मन के भीतर ही दबा लेती है। यहाँ की औरतों को देखिए, 60 बरस की बुढ़िया बिंदास होकर खूब नाचती है। अच्छा। शौक से नाचिए, नाचिए दादी माँ, मेरी धनी। मुझे नाचना नाचना नहीं आता। चलिए नाचिए, आप गाइए। मुझे गाना भी नहीं आता जी। धनी शुरू कैसे करेगी, मैं जानता हूँ। रेडी रेडी मधु, हो जाए। கணியை நாமியே வகை
कहने को दादी लेकिन सहेली दादी हो तो ऐसी संग संग ये गाए संग संग ये नाचे देखो तो है कैसी
Now you people can go. We'll take care of her now. फिकर मत कीजिए आप, हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल मत घबराइए, सब ठीक होगा। Let me see her chart. Are you Damayanti? Very good. ऑपरेशन खत्म होने में वक्त लगने वाला है, यहाँ इंतजार करने की जरूरत नहीं है आपको। आप रेस्टोरेंट जाइए, यहाँ मैं संभालूंगी। नो 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 नो, ऐसी कोई बात नहीं बेटी, जरूरत के वक्त कोई आदमी चाहिए ना। तुम्हारे पास मैं विशु को छोड़े जाता हूँ, तुम दोनों का खाना मैं मदेश के हाथ भिजवा दूंगा। मदेश का विशु टेक केयर। Excuse me, who is Madam Mita? Yeah? Yes, the doctor's calling. Listen to me very carefully. This operation was very, very successful. Your grandmother is alive, but you need to accept the fact that your grandmother is a very old lady. देखिए मैडम, ये दिमाग का ऑपरेशन बहुत पेचीदा होता है। डॉक्टर कितने भी होशियार क्यों ना हो, ऑपरेशन सहने की शक्ति पेशेंट में होना जरूरी है। दादी 60 बरस की हो चुकी हैं, 60 बरस में जितनी शक्ति होती है दादी में उतनी शक्ति है। डॉक्टर फिक्र मत कीजिए, आपकी दादी जिंदा है, लेकिन वो अब बोल नहीं पाएंगी, उठकर बैठ नहीं पाएंगी। ठीक से देखभाल की तो ऐसे ही बिस्तर पर लेटी रहेंगी। दादी देखो मधु आई है, दादी आंखें खोलो, दादी तुम्हारी मधु आई है, दादी कुछ तो बोलो, मधु कह के बुलाओ दादी। मेरी बात सुन रही हो ना, मैंने जो कहा सुना ना दादी, ऐसी क्यों हो गई है विशु? बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कहा था, देखो गठी बना के फेंक दिया। ऑपरेशन के लिए अमेरिका आए भूल की, इससे तो अच्छा होता मद्रास में ही रहते हम लोग। 6 महीने हो या 1 बरस हो, दादी चलती फिरती तो रहती। ऐसा क्यों हो गया विशु? भूल थी यहाँ आना हमारी भूल थी दादी। दादी मुझे देखो, दादी दादी मुझे देखो। दादी मुझे देखो। विशु क्या हुआ? इडियट्स, गलत ऑपरेशन कर दिया। क्या बेवकूफी कर दी मधु? ये क्या कह रहे हो? दादी को दर्द दाएं तरफ था ना? हाँ। ब्लडी फूल्स, ऑपरेशन बाएं तरफ कर दिया। माय गॉड, अट्रोशियस, रिडिकुलस। 4 senior doctors, 6 junior doctors, 7 A-grade nurses together have killed a 60-year-old woman who had come all the way from India with some hope and faith in you. मिस्टर विश्वनाथ, आप क्या बक रहे हैं? आप अभी स्टूडेंट हैं, ये लोग 20 बरस के तजुर्बे का डॉक्टर हैं। इनसे क्या गलती हुई जो आप भड़क रहे हैं? ब्रेन की दाएं तरफ ऑपरेशन करना था, बाएं तरफ कर दिया। That's impossible. As per patient records only, I did the operation. डॉक्टर वही तो भूल हो गई, धनवंती मैडम के रिकॉर्ड के बदले इंडिया की एक और पेशेंट के रिकॉर्ड को देख कर इन्होंने गलत ऑपरेशन कर दिया। I asked her if she was Damayanti and she said yes. Shit! ऑपरेशन थिएटर के भीतर पेशेंट से नाम पूछना ही भूल है। आपका अमेरिकन एक्सेंट वो नहीं समझती। आप धनवंती कहें या दमयंती कहें, दोनों एक ही सुनाई देंगे।
घबराई हुई और आधी बेहोशी की हालत में एक पेशेंट ने अपना सिर हिला दिया और इन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये अकलमंदी है। मगर केशट बदली कैसे? What has happened has happened. The hospital will inquire into the matter. Dr. Stephen, do you have anything to say? I take full responsibility for the mishap. It's immaterial who's responsible for it. I'm guilty. I'm extremely sorry, Mr. Viswanathan. Sorry बोलने से दादी माँ चलना शुरू कर देंगी। I am responsible for her welfare. I will redo the surgery and make her walk like before. सिर्फ उतना ही नहीं, दादी माँ की जिस्मानी तकलीफ और मधुमेहता की दिमागी परेशानी का हर जाने का मुकदमा करूंगा। As per law, you can do it. The hospital will face it. Thank you, doctor. दादी अच्छी हैं, ठीक से बातें कर रही हैं, बहुत ही जल्दी उठकर चलना फिरना शुरू कर देंगी। दादी बहुत खुश है पापा। हाँ हाँ, वो बहुत शर्मा रही है, इसलिए वैसे विग बनाने का ऑर्डर दिया है। हाँ, हम सब ठीक है पापा, आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगी। ओके, मैं बाद में फोन करूंगी, फोन रखती हूँ पापा। हाँ हेलो। हेलो, क्या है विशु, ये क्या है? $2 million। मैं समझी नहीं। हर जाना, हॉस्पिटल वाले ये देकर माफी मांग रहे हैं। केस फाइल किया तो उनकी बदनामी होगी, वो समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। थैंक यू विशु, लेकिन दादी को तुमने दूसरी जिंदगी दिला दी, यही असली खुशी है। $100 million की खुशी। आई एम वेरी हैप्पी। दादी वो लोग आ गए। ओह, उन्हें अंदर बिठा, मैं अभी आती हूँ, अंदर बिठा। मसालों की जोरदार खुशबू आ रही है। अरे माँ जी, आप थोड़ी सी ठीक हुई तो यहाँ भी रसोई में घुस गई। आइए आइए, आप कैसे हैं? अच्छा। विशु इनमें कौन है? मैं हूँ दादी। कैसे हो बेटे? अच्छा। रामू कैसे हो? अच्छा हूँ दादी। जूनो तुम कैसे हो? अच्छा दादी, अच्छा अच्छा है। ऐसा क्यों किया? अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, फोन पे फोन करके हमें खाने पे बुलवा लिया। हाथ बात ठीक नहीं है? सब ठीक है, मेरा मन, दिमाग, मेरी तबीयत, आपकी दया से सब ठीक है। आप और आपके बेटे नहीं होते तो अब तक मैं मिट्टी में मिल गई होती। आपको धन्यवाद देना चाहिए ना, कल इंडिया जा रहे हैं हम सब लोग, एक बार, सिर्फ एक बार मैं खुद खाना बना के आपको खिलाऊं, तभी तसल्ली होगी मुझे। विशु और कोफ्ता लो, लो। अच्छा है ना? क्यों रामू, तुमको खाना कैसे लगा? मैंने इतना उम्दा खाना कभी नहीं खाया दादी माँ। थैंक यू। क्यों मिस्टर राजामणि, आपको फिल्मों के गाने सुनने और गाने का शौक है क्या? अजी मुझे तो बहुत शौक है, काफी कैसेट्स हैं मेरे पास। तो फिर अंताक्षरी खेले हम। अंताक्षरी वो क्या है? वही गाने पे गाना। धनवंती माँ जी, एयरपोर्ट पहुँच गए, जो सब लोग कहते हैं मैं भी वही कहूँगा। मद्रास पहुँचते चिट्ठी डाल दीजिए, उससे पहले हमें फोन जरूर कीजिए। जरूर, लकड़ी के बक्से में जाने वाली बाड़ी आपके बेटों की वजह से भागती हुई चलती हुई जा रही है, ये क्या भूलने वाली बात है। तोहफा दे लो, खाना भी खिला लो, जी नहीं भरता, धन्यवाद करना भी काफी नहीं। इसलिए आप सारे लोगों को मद्रास बुला के एक महीना, दो महीना, तीन महीना अपने घर में रख के अपने हाथों से गरम गरम खाना बना के खिलाओ तो तसल्ली होगी। कभी कोई मौका मिला तो हम लोग जरूर आएंगे। जरूर आना होगा। जूनो तुम भी सब लोगों के साथ आना। जरूर आएगा माँ जी, अब उनके लिए वहाँ कोई छोकरी देखना, भले ही ज्यादा सुंदर ना हो, मधु के माफिक मामूली हो तो बात है। अच्छा मधुमिता, जूनो ने जगह तुमने सुना ना? नहीं, क्या बोले? क्यों मधु, अभी से हमें बुला दिया, क्या हुआ तुम्हें? जैसे कुछ छूट गया हो यहाँ ऐसा लग रहा अंकल। नहीं, सब ठीक ही लग रहा है। ठीक है। हाँ। ए मधु, तुम बोर्डिंग कार्ड ले लो, काउंटर खुल गया है। पासपोर्ट्स प्लीज।
एक्सक्यूज मी, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। तुम्हारे साथ जब तक थी कुछ पता नहीं चला, अब जुदा होते वक्त मेरे दिल के अंदर जो है कहना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप विश्वनाथ है ना? नहीं जी, राम मोहन। क्या है बोलिए। कुछ भी नहीं, कुछ बोलने वाली थी भूल गई। आपको विश्व से बात करनी है? सोच के रखिए, मैं उसे भेजता हूँ। ए विशु, मधु को कुछ बात करनी तुझसे, जाके मिल ले उससे। मधु, मधुमिता, मैं विशु हूँ। मुझसे कुछ बात करने वाली थी आप? वो हाय मधु। ए, मैं विलन दिख रहा हूँ तुझे। मैं हूँ शिवभूषण मामा, शिवू अंकल। सो ग्रेट टू सी यू हियर। ये बता, दीदी कहाँ है? वहाँ है। कम कम, दीदी को मिलते हैं। कम। दीदी, really great, धनवंती दीदी, शिवू आ गया। छोड़ मुझे, मस्का मत लगा, कमीने। देहांत पे बुलाया, चौथे पे आया है, अभी क्यों आया मुझे टाटा करने को? नहीं दीदी, दफा हो। Oh God, she's really angry, huh? जरूरी काम आ गया था दीदी, अलास्का जाना पड़ा। मेरी देखभाल से बढ़के कौन सा जरूरी काम था तुझे? एक बरस पहले अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया था दीदी। मैं मुकर नहीं सकता था। अच्छा? गलत समझ लेते वो लोग। ये बात है, वादे से मुकरना, एहसान भूल जाना, ये सब गलत नहीं। वो तो राजा मणि की फैमिली के कारण बच गए हम लोग। तुम्हारी बहुत मदद की इन्होंने। थैंक यू मिस्टर राजा मणि। सबके साथ एक ग्रुप फोटो हो जाए। ओह, विद प्लेजर। एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, एक फोटो खींच देंगे? कम कम, रामू आओ बेटी, रामू नजदीक आओ। आदेश, अपन दोनों साथ में हैं। अरे हंसना। दूसरी तरफ से। सॉरी। ओके। अच्छा अच्छा, यूं ही खड़े मत रहो, सिक्योरिटी भी तो करवानी है। आओ आओ, कम ऑन। रामू, ये लोग बहुत। हाँ, लॉस एंजलिस में तो है, लेकिन न्यूयॉर्क में भी खोलने का इरादा है। आओ बेटी, जल्दी करो, टाइम हो गया। जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? क्यों, और भी आने वाला है कोई? माधेश, ये सॉफ्टवेयर की लिस्ट है। टेक केयर। ओके, एक्सक्यूज मी, डोंट ब्लॉक द वे। थैंक यू। मैं जाके फोन करूंगी। अच्छा माँ जी, जल्दी हो, ध्यान रखिएगा। Bag, madam. Thank you.
carry these, ma'am. Huh? There is no power. Yeah, it's dead. But it's my life. I get it. These are for somebody special. Well, best of luck to you. Hey, Vishu. तू यहाँ बैठा हुआ है? कहाँ घूम गया था तू? वहाँ तुझे सब लोग ढूंढ रहे थे. ए, अरे ये क्या? Is anything wrong? मैं कैसे बताऊँ तुझे? हम साथ थे तो ये एहसास ही नहीं हुआ. वो जब दूर जाने लगी, तो मेरा दिल चूर-चूर हो गया. You mean मधुमिता? तू उससे प्यार करता है? ए, तू तो पागल है. सवेरे से तो बात की नहीं है, फूलों को देख के रो रहा है. एनीवे, वेरी गुड चॉइस. मधु और तेरी जोड़ी फिट है. हे, फिकर मत कर, फ्लाइट जाने से पहले हम उसे पकड़ लेंगे. हाँ, कम. Excuse me, officer. I would like to meet a passenger. Her name is Madhumita. Sorry, sir. The boarding is closed. Well, you don't understand. It's really important that I meet her. Here. Sorry, sir. It's too late to see the passenger. Why? Look. वापस आ गई. अब खुश हो ना? क्या हुआ दादी? मेरी बॉडी में ही प्रॉब्लम है. जिस रफ्तार से गई उसी से वापस आ गई. दादी, दादी माँ, सिर दुख रहा है. क्या हुआ? क्या? अचानक सिर दुखने लगा. दादी, मेरा सिर फट रहा है. मेरा सिर फट रहा है. दादी माँ, बर्दाश्त नहीं होता. Can I help you? Do you have any doctor available here? Yeah, sure. I need an airport doctor to report to gate 22A immediately. डॉक्टर ने थोड़े दिन रेस्ट करने को कहा और मेरा ट्रिप कैंसिल कर दिया. फौरन मधु ने राजा मणि को वहाँ से फोन कर दिया. मैंने बोला हमारे घर में ठहरना है, टैक्सी पकड़ के आ जाओ. एयरपोर्ट पे बेहोश हो गई थी आपने. हाँ? कहा इधर आके कू कू करके पिछली बातें बता रही है. वो कैसे? बच्चों से मिलने की खुशी में बोल गई. तुमने जैसे ही मुझको याद दिलाया, सिर के पीछे थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा है. मधु, तुम फौरन माँ जी को ले जाके लेटा दो. बातें कल सवेरे करेंगे. ओके, गुड नाइट. मैं ऐसी उंगलियां नचाने के लिए बेहोश होके थोड़ी गिरी थी दादी. मेरा सर घुमा और मैं बेहोश होके गिर गई. मधु के लौटने की खुशी में मैं आसमान में उड़ने लगा हूँ. बाद में उड़ लेना, पहले मधु से जाके बोला आई लव यू. अभी इतनी रात गए? हाँ भाई, दादी भी तो उसके साथ हैं, कैसे बोल सकता हूँ? वही मुश्किल है ना. तू जा, मैं देख लूंगा. इस उम्र में मैं सिर्फ बेहोश हो सकती हूँ. आई लव यू बोल सकती हूँ क्या दादी? हेलो. मैं राममोहन हूँ. विशु आपसे कुछ बात करना चाहता है. आप जरा स्विमिंग पूल पे आएंगे?
डैडी। वेल मधु मैं आए मैं तुमसे समझ गई मैं भी मेरी फिर से कहो ना मधुमिता 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 हाय रे हाय रे हाय रब्बा हाय रे हाय रे हाय रब्बा ताज महल मेरा है ना हंसता बोलता है जो कमल मेरा है ना हाय रे हाय रे हाय रे बा हाय रे हाय रे हाय रे बा पूरे चांद से जिसकी शक्ल मेरी है ना वो जो है एक पूरी गजल मेरी है ना तू जो पिघले लहजे में बोले छोलू तेरे होठों के शोले प्यार पाके गीत गाके कहूँ दिल में जो है बातें प्यार की हाय रे हाय रे हाय रब्बा हाय रे हाय रे हाय रब्बा जीता जागता ताज महल मेरा है ना हंसता बोलता है जो कमल मेरा है ना पर्वत पर्वत देखें दोनों और दरिया दरिया देखें हम यूं रहें इस प्यार में लैला मजनू अपने ही जैसा कहें हमें बेचैन न पूछो बस इतना मानो कि दिल से ऐसे ख्याल को निकाल दो निकाल दो नहीं क्यों संभाले हम दिल को पाएंगे हम मंजिल को क्यों ऐ सनम ऐसे डरे क्यों वो करे के जो दिल ही न माने हाय रे हाय रे हाय रे बा हाय रे हाय रे हाय रे बा
के बालों में सजा ले तू, इसीलिए तो है खिले ये मोतियों सी बारिशें, लिए हुए हैं ख्वाहिशें कि चूम ले जो तू मिले। दिल की धड़कन थम जाए, सांस भी चाहिए जो कमल मेरा है ना। हाय रे हाय रे हाय रे बा, हाय रे हाय रे हाय रे बा, पूरे चांद से जिसकी शक्ल तेरी है ना, वो जो है एक पूरी गजल तेरी है ना। तो जो पिघले लहजे में बोले झूलू तेरे होठों के शोले, जो मछली इस दिल में रंग आ जाए महफिल में, प्यार पाके गीत गाके कहूँ दिल में जो है बातें प्यार की। हाय रे हाय रे हाय रब्बा, हाय रे हाय रे हाय रब्बा, जीतोगे $4, हारोगे $2। कम से कम आज, कम से कम आज कौन विश्वनाथ है कौन राममोहन है बता दो तो मान जाए। अभी बताता है। माने मोनी मोनी माने मुर्गी कौवा बिल्ली मिनी पशु विशु। नो मैं रामू हूँ, ये है विशु। यू गॉट इट? गॉड अपन पे तेरे ध्यान है क्या? इस जन्म में तो नहीं बता पाओगे, तुम्हारी सारी दौलत दो दो डॉलर करके हमारे पास आने वाली है। भैया रामू ये डॉलर दो ना। किसलिए? हारे हुए डॉलर्स आखिरी बार देखना चाहता हूँ मैं। ये ले। जा जा। ए जुनो। ए फोन। हेलो। हाय। आज सवेरे 5 बजे तुमसे थोड़ी बात करने को जी चाहा। रूम में गई तो देखा दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने तुम्हें जगाना चाहा, कौन विशु है कौन रामू है पता नहीं चला। मैंने सोचा भूल से कहीं मैं रामू को न जगा दूं, इसलिए वापस आकर सो गई। अभी आप किससे बात कर रही हैं ये जानती हैं? हाँ विशु से। आप विशु है ना? नहीं जी मैं रामू हूँ। जुनू से अभी बोला ना विशु आप है? वो तो यूं ही झूठ बोला था। हाँ? रोज सवेरे हम लोगों में बैटिंग होती है, ज्यादातर उसी से भूल होती है, लेकिन कभी बाय लक सही भी बता देता है, पर हम लोग नहीं मानते, उल्लू बनाते हैं उसे। इसके अंदर ब्यूटी ये है कि आज आप भी फंस गई। कोई कोई बात नहीं, मैं भैया को भेजती हूँ। हाय मधु। हाय। बहुत देर हो गई तुम्हें आके। हाँ अभी आई। Here, something for you. Sweet, thanks. मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ आज। Fantastic. You like it? Yeah. रामू के लिए? ये क्या मधु? दोनों के रंग अलग हैं। हाँ बाबा, सवेरी रूम में आके धोखा खाया, डॉलर वाले खेल में धोखा खाया, मुझे बहुत घबराहट होती है। मेरा विशु अलग दिखना चाहिए मुझे। सॉरी मधु, ये 21 बरस पुरानी आदत है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, रामू भी कभी नहीं छोड़ेगा, पापा भी कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरी उलझन तुम समझ नहीं रहे, रामू से मैंने कहीं उल्टी पल्टी बात कह दी तो जस्ट इमेजिन। ये तुम्हारी भूल है, रामू इज अ जेम, देखते ही वो भाभी कहेगा तुम्हें। थोड़ी दिन विशु, कौन विशु है कौन रामू है खुद न पहचान लूं तब तक मेरी इतनी मदद नहीं करोगे? थोड़े दिन की उलझन के लिए अगर हम परसों की आदत बदलना चाहें तो ये बहुत गलत बात है मधु।
ऐसी कौन सी आफत आ गई? विशु ने अगर शर्ट नहीं ली तो क्या हुआ? उन दोनों लड़कों में फर्क जानने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है क्या? एक ही पट्टा। डंडे से मार कर छोटे का हाथ तोड़ने वाला हूँ। प्लास्टर की पट्टी वाला रामू, बिना पट्टी वाला तुम्हारा सैया मधु माता। ओके क्यों हाथ तोड़ेगा, पैर तोड़ेगा, जैसा तू वैसे तेरे आइडियाज भी है। भाग, पागल कहीं का भाग। ये खड़ूस लोग हैं, तेरा प्लान इनकी समझ में नहीं आएगा मादेश। यू मुंह लटका के कब तक बैठी रहेगी लाडली? रानी थोड़ा करीब आ जाएगी तो विशु कौन है खुद ब खुद समझ जाएगी। मुझे नहीं होगा दादी, रामू को विशु न समझ बैठू इस डर से। ठीक से देख भी तो नहीं पाती, ठीक से बात भी नहीं कर पाती, बोलने में देखने में झिझक रही हूँ, तो फिर करीबी रिश्ता कैसे बनाऊं? देख बेटी, पहले तुम मुझे स्क्रू लूस आधे भेजे का पागल बोलना बंद करो। अब तो मैंने बॉल भी बदल दिया है, दोनों छोकरों में फर्क दिखना चाहिए बस वही ना, तो कम से कम 6 महीने तक फर्क दिखाई दे, ऐसा एक बहुत जोरदार भगवान बालाजी का दिया हुआ आइडिया है। बच्चों छील दूंगा। बाई तरफ है विशु, दाई तरफ है रामू। बाएं बाजू लेटा है बड़ा, दाएं बाजू लेटा है छोटा। लव कुश कुश, तो आज होगा फुश। कुंभाभिषेक आराधना, कुश गोइंग फॉर कुंभ मेला। कमॉन भरजी तिरुपति। बोल, किसने मेरे बेटे का मुंडन करने वाला था? बोलता कि नहीं? मधु को रामू और विशु में फर्क पता नहीं चलता। फर्क क्यों जानना है उसे? जी वो मसु और विदु, विदु और मसु आपस में। लगो नहीं, बोल ठीक से। बोलता हूँ, बोलता हूँ। विशु और दीदी मधु दोनों एक दूसरे से लव में। धनवंती माँ जी, बीमार होके आप यहाँ पे आई थी, बीमारी ठीक हो गई, वतन वापस लौट जाइए। ये प्यार शादी के बाद यहाँ मत कीजिए। क्यों, इसमें बुराई क्या है? मेरी पोती आपके बेटे से प्यार करती है, आपका बेटा भी मेरी पोती से प्यार करता है, इसी बिना पे मैंने रिश्ते की बात शुरू की। इनकी जिंदगी का फैसला करने वाला मैं हूँ, मैं कहता हूँ ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसमें क्या कमी है? सुंदर नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, हैसियत नहीं है। हैसियत कोई बड़ी समस्या नहीं है माँ जी। तो जात पात की है? वो भी नहीं है। मेरी पोती प्यार करने लगी तो वो ओछे कुटुंब की है, आपने ये तो नहीं सोच लिया? आपकी पोती तो खरा सोना है, लेकिन हमें मंजूर नहीं। क्यों मंजूर नहीं है मिस्टर राजामणि? दूसरे माँ बाप की तरह प्यार का शब्द सुनते बिना बात के विरोध करना ही चाहिए, इसलिए क्या? बिना बात के विरोध नहीं कर रहा, इसकी वजह है। मैं भी जुड़वा हूं, मैं जुड़ा हुआ पैदा हुआ था। हमारा परिवार 2 पीढ़ियों पहले उत्तर भारत से रामेश्वरम में जाके बस गया था। चार चार इडली, 2 ग्रेवी वाला मटन, 2 तला हुआ मटन, फ्राई मछली के 2 टुकड़े। 4 इडली, 2 फ्राई मटन और मच्छी, इतना ही ना? 8.5 रुपए दे दो। भैया कम पैसे बोले हैं, 9.5 रुपए लेने हैं इनसे। ऐसा क्या भाभी? तो जैसा भाभी बोली 9.5 रुपए देना। अरे पारसमणि, अरे भैया चूल्हे के पास आग में तपकर अपना खून जला के पैसे कमा रहे हैं। सच्ची बात है, अगर तुम हर ग्राहक का 1-1 रुपया छोड़ते रहे तो दुकान मलिया में हो जाएगी। काली भैया तुमने खा लिया ना? तुमसे खाने का 1 रुपया भी हमने ज्यादा लिया नहीं तो काहे को खोट निकाल रहे हो? अपने घर जाओ। ये क्या भैया, होटल का लोग मजाक उड़ाते हैं वो हालत कर दी है। ये तो छोटा सा हिसाब था, इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए थी ना? क्या करना चाहिए? क्या है, आफत आ गई कोई? 1 रुपए की चूक की तो क्या बिजली टूट पड़ी? मेरा मरद इस जगह पे मालिक ही है ना, जैसे तूने से नौकर रखा है वैसे चिल्ला रही है। ओहो मैं किधर चिल्लाई? हिसाब सीखो बोली ना,
तू एक मरद के बाजू खड़ी होकर साक्षी को बोली, आसपास के सारे लोग क्या सोचेंगे? ऐसा मैंने क्या बोल दिया कि खामखा उबल रही हूं? तुझे अगर कुछ बोलना है तो खुद के मरद को बोलने को बोलना, तेरे को नहीं बोलने का है। देवर को थोड़ा भाव देना मांगता है। क्या सुन रही तुम इतनी सी बात? बात कैसे था? आज जोड़ने में भूल ढूंढी है, कल घटाने में ढूंढेगी। बैठने में भूल होगी, खड़ने में भूल होगी, फिर हौले हौले झुकने को बोल के पीठ पर चावल बिछा के कल का ढूंढना चालू करेगी। अरे अरे, ये बड़ी मुश्किल हो गई। पूरा दिन बात बात पे ऐसे झगड़ती रही तो ना दुकान में बरकत होगी ना ही परिवार फूलेगा फलेगा। हाँ भैया, इसके कारण ही तो यहाँ बरकत बिखर रही है। हम दोनों मनुष्यों ने तो दौलत इज्जत सब कुछ बर्बाद कर दी। ए बहू, तू बहुत ज्यादा बोल रही है। क्यों? मैं अपने मरद के माफिक चुप बैठ जाऊँ तो ठीक होएगा तुम्हारे लिए? अरे दद्दा से ऐसे बात मत कर, मेरे लिए वो भगवान है। सब औरतों के लिए उनका मरद ही भगवान है। मेरे मरद की बेइज्जती करेगी मेरे सामने तो मैं कैसे चुप रहेगी? मेरी माँ, अब मैं कभी कुछ नहीं कहूँगी। भगवान के लिए माफ कर दे मुझे। थोड़ा छुट तो सर पे चढ़ेंगी। अच्छा अच्छा सुंदरी, जाओ इधर जाओ, जाओ। अंजलि तू भी जा, तू अपना काम कर। दद्दा, मैं किसी काम के लायक नहीं। मेरे को एक छोटा सा हिसाब भी करने को नहीं आता, लड़ाई भी होती है मेरे कारण। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ए, भाई है तो मेरा, जैसा भी है इसकी मुझे चिंता नहीं, लेकिन तेरे आंसू बहाना सहन नहीं होगा मुझसे। तू जा, आंसू पोंछ के तू अपना काम कर। तू जा। मंजरी मैं चलता हूँ। सुनो जी, मुझे कुछ हो रहा है, पेट में हलचल हो रही है, दोपहर तक प्रसव हो जाएगा। ओह, तो फिर मैं यही रहता हूँ। एकदम हो गया तो सहायता के लिए कोई तो चाहिए। पारसमणि को आज हाट में भेज के सामान मंगवा लूँ क्या? ओहो, उन्हें नहीं, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। उनको बूढ़ा बकरा और बीमार मुर्गिया दुकानदार थमा देगा। उन्हें 10 चीजें लाने को बोलोगे, 8 चीजें ही लाने वाले हैं। दो चीजों के लिए वापस बाजार भागना होगा। अच्छा होगा आप ही चले जाओ। मैं बस गया और आया। भैया यहाँ आओगे जरा? क्या है भाभी? पता नहीं क्यों सवेरे से ही घुटन सी हो रही है। एक सोडा ला दोगे जरा? अभी लाए भाभी। अरे ओ, कहाँ चले? एक वफादार कुत्ते के माफिक दो मिला के कहाँ भाग रहे हो? भाभी के लिए सोडा लेने। तुम्हें एक बकरा खरीदना नहीं आता, मुर्गी भी खरीदना नहीं आता, सोडा इच बस लाना जानते हो। पानी निकाल के दो, मुंह धोना है मुझे। सोडा उसी को चलाने को बोला ना। ए, सुंदरी ये बात नहीं करना, भाभी को घुटन हो रही है बोल रही है ना? सब झूठा नाटक है। पट्टे के माफे के देवर हाथ लगा तो रानी की तरह आर्डर देने की किस चुड़ैल की इच्छा नहीं होगी? कोई दूसरा काम देखो, चलो चलो। भाभी पूरे दिनों से मैं इनकी थोड़ी मदद करने लगा था, तुम उल्टा क्यों बोल रही हो? वो पूरे दिनों से है तो मन पसीज रहा है क्या? बहुत चटपटी लुगाई है तभी फुर फुर दौड़ रहे हो। सब बात का गलत मतलब मत निकाल सुंदरी, एक औरत की मुसीबत दूसरे को समझना चाहिए ना। तुम पे अच्छा जादू का डंडा फिरा दिया इसने। इस लुगाई को एक मरद काफी नहीं है। चूल्हे पे परोठा पकाने के लिए पति, मौज मस्ती के लिए देवर, ऐसे दो मरद इसने अंटी में लपेट के रखे हैं। इसीलिए आफत देख के तुम घुसावन में लग गए हैं। बहुत हुआ, कोई भी तेरी जबान को नहीं रोक सकता। पहले मैं सोडा लाता हूँ, बाद में सारा दिन कोसती रहना, नहीं तो रुको, चौखट लांग के बाहर गए अगर तो मंगलसूत्र तोड़ दूंगी। किसी को जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही सोडा ले आऊंगी। ऐसी बातें अब सहन नहीं होंगी मुझसे। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, अब बस और कुछ नहीं कहना। एक सोडा देना। रानी बेटी, मेरी लाडली बिटिया, तू मुझे क्यों छोड़ के चली गई? मेरे
मेरी बच्ची। ओ मेरी बच्ची। राजा बनी मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। दत्ता, इनका खून मैंने किया, अपनी भाभी को मैंने ही मार डाला, औरत की बात मान के इनकी मौत का कारण मैं बन गया। मेरे को एक सोडा ला दे, पारिस पनी कह के गिर गिराई, इसको लेके झगड़ा किया और चुड़ैल के माफ एक बड़ी गंदी गंदी बातें की। दत्ता, भाभी की मौत प्रसव में नहीं हुई, वो खुद्दार थी, ओछी बातें तीर जैसी चुभ गई तो वो मर गई। दद्दा दद्दा, एक डायन मेरे गले में बंध गई है, वो उसका मुंह नहीं देखना चाहती थी तभी मर गई वो। उनका खून करके मैंने बेचारे नादान बच्चों के माँ की जान ले ली। दद्दा, भाभी को मैंने जान से मारा है। दद्दा दद्दा, तुम मेरी बोटी बोटी कर दो। दद्दा, मुझे भी उस जगह फूंक दो, राग भी नहीं लाना मेरी। दद्दा, मैं पापी हूँ, मेरा खून कर दो। दद्दा, मेरा मंजरी राजा मनी, बहुत हुआ मैंने तुमसे बेटी की शादी की भरपाई। तुम्हारे भाई और भाई की बीवियों से अर्थी पर लिटा दिया, पापियों ने मेरी बेटी को मार डाला रे। इन दो कच्ची कलियों को मुझे दे दो, मैं इन्हें पाल लूंगी। गर्भवती को एक घूट सोडा ना पिलाने वाली बच्चे को दूध भात खिला के पालेगी क्या? उठो, तुम्हारी घरवाली मरी है क्या? ऐसे कठुड्डी पे हाथ रख के बैठे हो? उठो उठो, तुम पे मुझ पे गलियों में घूमने वाली है खूनी क्या के उंगली उठावे, मैं ये सुन के चुप बैठी रहूंगी क्या? और गलियों में घूमने वाली? अरे छी, चुप कर। पेड़ के नीचे खोमचा लगा के बड़े रुबाब से जी लेंगे, हमें इस छत की जरूरत नहीं। बाहर चलो, दौलत का बंटवारा करने को बोलो, दुकान का भी हिस्सा कराओ। क्यों जहर उगल रही है? दद्दा पहले ही दुखी है। क्यों, सब कुछ सुन के भी दद्दा को छोड़ के जाने का दुख हो रहा है? यहाँ बैठ के लोरी गाओगे क्या? जब तक वो थी उसके पीछे पीछे उसका पल्ला पकड़ के उसकी नौकरी करी, अब तुम उसके जायों की नाक साफ करके डट्टी उठा के उन्हें पालने वाले हो। कल अगर घर में कोई नहीं रहा और बच्चों की तबीयत जरा भी बिगड़ी तो उसका दोष भी हमारे ऊपर थोपेंगे। जरूरत नहीं है बंटवारा करने को, बोलो। नहीं, मैं दादा को छोड़ने वाला नहीं, उनके खिलाफ मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो फिर मेरे को छोड़ देने का? फिजूल आदमी की बीवी बनकर रहने से तो अच्छा है काबिल आदमी की रखेल बनकर रहने का। तुझा बन जा। ये क्या है? हा? ये तुझे किसने सिखाया? ये कहना चाहिए काट के रख दूंगी, छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छे कुटुंब में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। तुझे क्या चाहिए बोल? दुकान मकान दौलत वही ना? तो ले ले, तू सब ले ले, तू सब रख ले बहू। ये चुड़ैल नास पीटी बेसर्मी से सब मांग रही और तुम दे रहे हो। राजा मनी, मरते वक्त गंगा जल भी मुंह में मत डालना इसकी। गंगा जाने दे इसे बाहर में। क्या रिश्ता तोड़ने के लिए शादी करते? इसे आखिरी वक्त तक निभाना चाहिए। अच्छा कुटुंब वही है। मैं जब तक जिंदा हूं ना हमारी दुकान का बंटवारा होगा और ना ही तेरा कुटुंब टूटेगा। दादा, दद्दा मुझे छोड़ के मर जाओ, दद्दा मुझे छोड़ के मर जाओ। दद्दा, मैं अनाथ हो जाऊंगा। दद्दा नहीं, मुझे हे भगवान, बच्चों को लेके कहाँ जा रहे हो? दद्दा दद्दा, मुझे छोड़ के मर जाओ। दद्दा बड़ी को कुछ बात छोटी संभाल लेगी, छोटी को कुछ बात बड़ी संभाल लेगी। प्यार से मिलजुल के सब लोग रहते, मेरी बात नहीं मानी। मुझे छोड़
वापस आ जाओ दत्ता, मैं तो वापस आ जाओ दत्ता। कार बंगला आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा भाई 5 और 10 रुपए के लिए तरस रहा है। अलग अलग कुटुंब की बवेला, इसलिए मैं और मेरा भाई जुदा हो गए। ऐसी भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं अपने बच्चों की सिर्फ जुड़वा पैदा हुई 2 बहनों से ही शादी करूंगा। उसी दिन मैंने फैसला किया और इसे कोई नहीं बदल सकता। ईश्वर हे ईश्वर, कैसी लीला है तेरी। मिस्टर राजामणि, मेरी समस्या खुद ब खुद सुलझ जाएगी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये आप क्या बोल रही हैं? इतने दिनों से जो चिंता थी मुझे आज आपने दूर कर दी। मेरी पोती मधुमिता भी जुड़वा ही है। ये क्या माँ जी, सिनेमा का कोई सीन सुना रही हैं? सिनेमा में भी जीवन है, जीवन में भी सिनेमा है। कई दफा सिनेमा से बढ़ के जीवन में अनहोनी बातें हो जाती हैं। इसकी माँ जब गर्भ से थी तो पेट बहुत बड़ा दिखता था। इसके पिता खासे ज्योतिष के पागल थे। ज्योतिषी ने कहा कि उसके जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। अगर जुड़वा लड़के पैदा हुए तो तुम्हारा राजयोग है, अगर जुड़वा लड़की हुई तो 40वें बरस में तुम्हारी मौत हो जाएगी। बस फिर क्या था, इसका बाप बड़ा झक्की है। भीगे बंदर को जैसे बिच्छू काट ले, वो वैसे हाथ में तलवार लेकर हॉस्पिटल में घूमने लगा। हमारा डर सही निकला, 2 बच्चे जन्मे मगर दोनों लड़कियां थी। कहीं वो खुद को बचाने के लिए एक बच्ची को न मार दे, इस डर के मारे हमारे घर में खाना बनाने वाला जो ब्राह्मण था उसको एक बच्ची सौंप दी। बहुत से पैसे देके उससे कहा इसके बाप की उम्र 40 बरस की होने तक सबसे छुपा कैसे पालना। राजामणि, उसका नाम वैष्णवी है, इसकी छोटी बहन, वो अभी कोड़ेकनाल में कॉलेज में पढ़ रही है। ये बात मैं कैसे मानूं? रुकिए एक मिनट। राजामणि, इस पवित्र अग्नि की सौगंध। अब बोलिए राजामणि, इस शादी के लिए आप रजामंद हैं? ये क्या धनवंती माँ जी, जब आपने पोतियों के जुड़वा होने की इतनी बड़ी सौगंध खाई तभी मैं शादी के लिए फौरन राजी हो गया। दादी। क्या रामो? जूनो, क्या नाम बताया दूसरी वाली का? क्या वो वैष्णवी? वैष्णवी, वैश, वैशु, रामो, वैशु, ब्यूटिफुल, आई लाइक दैट वेरी मच। क्या कहा, मधुमिता जुड़वा नहीं है? अरे ये चाची 420। तू अपना मुंह बंद रख, देव को गधे। ये क्या बोल रही हो दादी, मैं जुड़वा नहीं हूँ क्या? नहीं, 1000 झूठ बोल के एक शादी करवाओ लोग कहते हैं ना। तुमने क्या गजब कर दिया दादी, ये हंसी खेल की बात है। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने, अंजाम क्या होगा सोचा है? एक और झूठ बोला तो मामला फिट। हाँ? पहले तो तेरी और विशु की शादी करवानी होगी, शादी के बाद अगले हफ्ते ही वो छोटी बहन जॉन्डिस से मर गई ये बोलना पड़ेगा, या वो किसी के साथ भाग गई ये बोल के किस्सा खत्म कर देंगे। दादी ये बहुत बड़ी बेईमानी है। मैंने अग्नि पे हाथ रख के कसम खाई है, जानती है ना, ख्याली बहू को देखने राजामणि अपने बेटे को लेके हमारे साथ इंडिया आ रहे हैं। हे ईश्वर, सुन, तेरी शादी जब तक ना हो जाए तुम दोनों अपना मुंह नहीं खोलोगे, खून कर दूंगी। हाय मधु। हाय डैडी। मैं आ गया। हाय मामी। हाय मादेश, तू कैसा है? अमेरिका में नहा रहा है? हाय बेबी, ठीक हो ना? कैसे हो? थैंक यू मामी। तुम कैसी हो? आई एम परफेक्टली ऑल राइट। गुड। इसका कारण आप लोग हैं। नमस्ते। नमस्ते। आप हैं मिस्टर राजामणि? आई एम श्वेतांबर। मैं बताता हूँ। अच्छा, मेरा नाम श्वेतांबर है, मेरा कोट सफेद है, टाई सफेद है, शर्ट सफेद है, पैंट सफेद है, मेरा मन भी सफेद है, यहाँ तक कि मेरा बैंक अकाउंट भी सफेद है, क्योंकि मुझे झूठ बोलना नहीं आता। आप विश्वनाथ रामोहन है ना? नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर राजामणि, मुझे इन्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है।
अगर मेरे भी इन दोनों की तरह जुड़वा बेटियां पैदा होती तो इनके साथ उनका ब्याह करके आपके एहसान का कर चुका देता। लेकिन क्या करूं, मेरी एक ही बेटी है। अजी ये क्या, जुड़वा बच्चे बेटियां होती तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। तब आप डरे हुए थे, अब आप शादी की बात कर रहे हैं। कैसी समस्या, क्या डर था मुझे? दादी वन मिनट, ये आंटी प्रेग्नेंट थी जिस टाइम, तो ये अंकल तलवार लिए घूम रहे थे कि नहीं? हाँ भाई। क्या? हाँ भाई। अब आप कह रहे हैं कि ब्याह करवा देता, चक्कर है। क्यों जी, मैं जब माँ बनने वाली थी तो आपने तलवार क्यों उठाई थी? अरे मैंने कब तलवार उठाई? सब कुछ भूल जाता है। जब दुर्गा गर्भवती थी तू टेंशन में घूमता फिरता नहीं था? हाँ माँ। टेंशन के ही मैंने सारे किस्से सुनाए, उसी के बारे में पूछ रहे हैं, ये बात है। लेकिन माँ वो तलवार। अरे क्या रे, तुम लोग बड़े बदतमीज हो। समधी से चौकट पर खड़े होकर बात करो। जाओ समधी को रूम दिखाओ। तुम जाके विष्णु रामू को रूम दिखाओ। जाओ। ईश्वर संभालना मुझे। माँ वो तलवार के बारे में कुछ? अरे तो सारी बातें भूल जाता है। जब तेरे बच्चे पैदा हुए थे तूने कुल देवी पे तलवार चढ़ाने की मन्नत मांगी थी ना, अरे उसी का तो जिक्र कर रहे थे। मधुमिता अपने पापा को अंदर ले जाओ बेटी। दादी कंफ्यूज मत करो। पहले बच्ची को मारने के लिए तलवार उठाई थी बोली, अब कुलदेवी की मन्नत वाली बात बोल रही है। वो कैसे टेल मी। थोड़ा चुप रहे मिस्टर राजामणि। वैष्णवी नाम की बेटी अभी जिंदा है ये बात मेरा बेटा नहीं जानता। ये जूनो कुछ आधा अधूरा बक गया। अगर मेरे बेटे ने गलत फहमी में वैष्णवी को मार डाला तो वैष्णव बस फिर ये शादी भी रुक जाएगी ना। सिर्फ वही बात नहीं, वैष्णवी को किसी ने देखा भी तो नहीं है। लेकिन दादी माँ, वैष्णवी कहाँ, ये बात अंकल नहीं जानते, फिर कैसे मारेंगे उसको? जूनो थोड़ा चुप रहे। ए जूनो तू चुप रहे, काहे को बड़ों के बीच टटर बोले जा रहा है? वैष्णवी बहुत खतरे में है, दादी बोल रही है ना, फिर भी तू अपनी बकबक किए जा रहा है। तू जाता है हम लोग वैष्णवी को कभी ना देख सके। कीप क्वाइट। ऐसा नहीं, वैष्णवी किधर है? तू अंदर चल। हाथ में तलवार, 40 बरस में मौत, ज्योतिषी के पीछे पागल, वैष्णवी, जुड़वा, कूड़े कनाल। माँ अब मुझे खाना कभी नहीं मिलेगा। माँ क्यों बेटा, तुझे क्या कमी है? झूठ बोलने वाले को खाना नहीं मिलता ऐसा तुम बोली थी ना। तुम्हारे वाले झूठ अगर बोलूंगा तो नाश्ता क्या, एक घूट कॉफी भी नहीं मिलेगी। माँ क्यों रे, खिल्ली उड़ा रहा है और क्या माँ, एक के बाद एक रेल के डिब्बे की तरह। ज्योतिष, जुड़वा बच्ची, कोडे कनाल, वैष्णवी कह रही है मुझको एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। पागलो जैसी बात ना कर, तेरी बेटी उसके प्यार में फंस गई है। बच्चों की इच्छा के मुताबिक उनकी शादी करवाना बड़ों का फर्ज है, इसलिए छोटा मोटा झूठ बोलना पाप नहीं है। अब बोल तू तेरी कितनी बेटियां हैं? एक बेटी। दो बेटियां। ठीक से बोल। एक बेटी है तो एक बेटी, दो बेटियां तो दो बेटियां, लेकिन जो अभी जिंदा वो एक ही बेटी है। नहीं, एक और बेटी पैदा हुई होगी, या पैदा नहीं भी हुई होगी, या पैदा होके मर गई होगी, या पैदा ना होके मर गई होगी, या मेरे जाने बिना ही पैदा हुई होगी, उसको किसी और जगह पाला गया होगा। यानी कुल मिला के मेरी एक बेटी है, मेरी बीवी की एक बेटी है। जोड़ने से तो होती है ना माँ। वेरी गुड। तू झूठ ना बोल सके तो कोई बात नहीं, उसकी शादी होने तक तू ऐसे ही बकवास करते रहना, मैं कुछ भी बोल के संभाल लूंगी। हाँ बहू अब तू बोल। मैं झूठ बोल लूंगी? व्रत के दिन सिर्फ मैं झूठ बोलने वाली नहीं। कैसा व्रत? सोमवार को सोमवार का व्रत शिव जी का, फिर मंगल को व्रत होगा मंगल गौरी का, बृहस्पति को व्रत अमिताभ का, नहीं नहीं साईं बाबा का, साईं बाबा, शुक्रवार को दुर्गा का, शनिवार को भगवान बालाजी का, इतवार को सूर्य भगवान का। अच्छा बुधवार को खाली? हाँ बुधवार को झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन उस दिन अमावस पूर्णिमा या एकादशी हुई तो गड़बड़ है। किस लिए इतना व्रत रखना शुरू किया है? आप ठीक ठाक रहे इसलिए। ये तो आग में कूद जाए, सिर्फ तुम्हारी डांट से डरती है। क्यों रे तेरी औरत मेरे ऊपर इतना प्यार बरसा रही है? देवी माँ फूल माला मंगाओ। चुप रहे, नहीं मंगाओ। अपनी बेटी की शादी होने के लिए 7 दिन तक मेरा बताया हुआ व्रत भी रख ले तू। कौन सा व्रत माँ जी? मौन व्रत माँ जी। बोला ना, मुँह नहीं खोलना। दादी तुम्हें कैसी लड़की है, पत्थर मार रही है? क्या सोच के किया तुमने? तुमसे मिलने बाहर से वैष्णवी आने वाली है, बड़े इत्मीनान से सबसे बोल दिया। आने वाली कौन है, कैसे आने वाली, वो कहाँ से आने वाली है? अरे ये कैसा सवाल है, तू आएगी? मैं? हाँ बेटी, डबल एक्शन। अरे बाबा। दादी ये क्या गुड़िया का खेल है, ये चीटिंग है, ये धोखेबाजी है, ये नहीं होगा मुझसे। तो जा, तू जाके पान के डंठलों को, जूठे कोक के डिब्बों को, फ्यूज हुई बैटरियों को गले से लगा के रो। तेरा बाप तुझे किसी और के पल्ले बांध देगा। मन में विषु को बसा के पराया आदमी को गले लगा के गृहस्थी बसा, वो चीटिंग नहीं होगी क्या? वो विश्वासघात नहीं होगा क्या? अरे ये तो और घिनौनी बात है। क्यों परेशान कर रही हो मुझे? ये बात नहीं है रानी, देख सुन, वो लोग दूसरी लड़की को देखना चाह रहे हैं, इसीलिए हवा की माफिक आना, हवा की माफिक चले जाना। मधु, दिल के अंदर बसने वाले को छोड़ के जीवन भर तड़पने से तो अच्छा है 2 दिन नाटक कर ले, ये दगाबाजी नहीं है। हुँ?
वैष्णवी। बाप रे कितनी बड़ी हो गई है तू मेरी रानी। तू अच्छी तो है, पहचाना मुझे, दादी हूँ मैं तेरी, धनवंती। दादी आशीर्वाद मुझे। इन्हें जानती है तू कैसे पहचानेगी इन्हें? यही तो तेरे पिता है श्वेतांबर। वैष्णवी बेटी ये तेरी माँ है दुर्गा। अरे ऐसा क्यों देख रहा है, ये तुम्हारी दूसरी बेटी वैष्णवी है। ये दोबारा जन्मी है इसलिए दूसरी बेटी, पहले जन्मे तो पहली बेटी, तीसरी बार जन्मे तो तीसरी बेटी, चौथी बार जन्मे अगर तो सब मिलाकर देखे तो मेरी एक ही बेटी। पिताश्री निर्दयता से ज्योतिषी का विश्वास करके 20 वर्ष से मुझे आपने त्याग दिया था ना। रामा मामा मुझे न देखते तो क्या गति होती मेरी, सोचिए। क्यों माँ तुम्हारे हृदय में भी मेरे लिए ममता नहीं रही क्या? बाबा 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 बाबा। अरे तू कोई गुंगी नहीं है, मौन व्रता है। और बेटी आप हैं मिस्टर राजामणि, अमेरिका में इंडियन रेस्टोरेंट चला रहे हैं। प्रणाम। बच्ची कैसी लगी? महालक्ष्मी की मूर्त है। वो है मिस्टर जूनो, आपके रेस्टोरेंट में है। नाइस मीटिंग, बड़ा पटाई। कोई चक्कर है? ये घन चक्कर है नहीं, सिर के सारे फूल तो फ्रेश दिख रहे हैं उनको, जैसे बिटिया पिछले स्टेशन पे चढ़ के इस स्टेशन पे उतरी हो वैसी लग रही है। खुल गई। क्यों जूनो, पिछले स्टेशन पे फूल लेके इस स्टेशन पे मुंह हाथ धो के फ्रेश होके लोग नहीं आते क्या? आपसे मिलने के लिए ये बंसवर के आई है। ये मेरा बड़ा बेटा विशु, डॉक्टरी पढ़ रहा है। प्रणाम। आपकी दीदी से मैं शादी करने वाला हूँ। ये बात है, बहुत आनंद हुआ बहनोई श्री। मेरी दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ कहाँ है? वो ये 20 बरस के बाद आ रही है ना, इसलिए वो मंदिर में इनके लिए पूजा करवाने गई है। ये महाशय कौन है? कौन है? वैशु माता, मैं छोटा भाई महादेश हूँ। अच्छा। मेरे मेरे बारे में? और ये मेरा दूसरा बेटा रामू, ये भी तुम्हारी तरह ट्विन्स है। प्लीज टू मीट यू। प्रणाम। कल्चर, इंडियन कल्चर, आई लाइक दैट वेरी मच। कैसे कोई
प्यार की मैं ले जाऊंगा, फिर मैं चांद के चांदी और सोने से महल बनाऊंगा। तारे तोड़ के लाऊंगा और सारा महल सजाऊंगा, नर्म मुलायम बादल मैं वहां तेरे लिए बिछाऊंगा, फूलों से शबनम लाऊंगा फिर मैं तुझे नहलाऊंगा, और उस भीगे हुस्न को जाना आंखों से पी जाऊंगा। तबा तबा ये चल रे, चलवे कैसे कोई न बहके, सुपर एक्टिंग की तूने। ये दुर्गा खोटे तो तू मधुबाला है, ये एक्टिंग में ग्रेजुएटेड तो तू मैट्रिकुलेटेड। वैशु माता आपने तो ये प्रश्न भी कर लिया कि मैं कौन हूँ, तूने तो एक ही बॉल में सेंचुरी मार दी। हाथ मिला यार। शे, तुम्हारा सर, मैं उस वक्त पर कटी पंछी की तरह जो तड़प रही थी वो मैं ही जानती हूँ, टेंशन मत ले। मधु मधु, ओह मर गए। मधु अगला ओवर चालू हो गया, बड़ा बहनोई विशु दरवाजा ठोक रहा है। बेटी जल्दी से ड्रेस बदल और जा। हे भगवान, तू यहाँ किस लिए खड़ा है? तू भी जाके कोई ड्रामा कर। मधु, मैं अभी आई, तू अंदर जा। हाय मधु। हाय विशु। क्यों भाई, सवेरे से दिखी नहीं तुम, स्टेशन पे भी नहीं आई? सॉरी बाबा, प्रातः काल मंदिर गई थी मैं, बहुत भीड़ थी वहाँ। मैं लौट के घर आई तो आप लोग प्रवेश कर चुके थे। हे, ये क्या पंडितों की भाषा बोलने लगी? मैं भ्राता से वार्तालाप जो कर रही थी तो वैष्णवी से बात कर रही थी ना, उसकी भाषा लगता है मुझसे चिपक गई। खैर ये सब जाने दो, वैष्णवी से रामू के बारे में बात की, रामू से पसंद आया? ये क्या विशु, वो अभी तो आई है, अभी हमने एलकेजी के किस्से भी पूरे नहीं किए, अभी स्कूल की बातें कॉलेज की बातें हैं, उसके बाद शादी ब्याह का किस्सा शुरू करेंगे, इसलिए मुझसे 4-5 दिन तक ऐसे सवाल मत करना प्लीज। ओके आई अंडरस्टैंड। वैष्णवी मेरा इंतजार कर रही है। हाँ ऑल राइट, ओके बाय बाय। ओहो, भाभी मैं रामू हूँ। भाभी आप यहाँ? वैष्णवी से मिलने आया था। वैष्णवी अंदर थोड़ा नहा रही है, एक मिनट। हाँ वैष्णवी, रामू को तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी बाहर आओ, अभी 1 घंटा और लगेगा। दीदी कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगा। नहीं नहीं, आप कहे तो उसके बाहर आते मैं आपको बुला लूं। आपको तकलीफ क्यों दूं, आप जाइए, मैं हूं ना यहाँ, आप जाइए। क्या बकवास आइडिया है, तू भाग जा। दोनों भाई चिटक गए, जान मार रखी है। कौशल्य सुप्रजा रामचे। हेलो, प्रणाम। नमस्कार। आप? मैं रामू हूँ, छोटा वाला। कैसे पधारे? आपसे मिलने को आ रहा था तो अमेरिका में सारा दिन घूमकर आपके लिए छांट छांट कर ये सब लाया हूँ, फैशनेबल लेडीज प्रोडक्ट्स, हेयर ड्रायर, मेकअप किट, लिपस्टिक, इन्हें हॉलीवुड की सारी हीरोइंस इस्तेमाल करती हैं, फिर ये परफ्यूम्स, ये सब चीजें लेटेस्ट फैशन की हैं। पसंद आई? मेरे लिए बहुत श्रम करके लाए होंगे इन वस्तुओं को। नो 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 प्रॉब्लम। नहीं, यदि बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, मैं इस प्रकार के कॉस्मेटिक्स उपयोग नहीं करती, मुंह काटा मुख पे, सिर में शिकाकाए और बदन पर उपटन, बस हो गया। मुझे गलत ना समझिए, इन चीजों को कृपा करके आप ले जाइए। ऑल वेस्टर्न कल्चर सिंथेटिक्स, इसलिए आपको पसंद नहीं। इट्स ओके, यू वांट टू बी वेरी मच इंडियन,
बेसन का उपटन, मूंग का आटा, शिकाकाई, ऑल हर्बल प्रोडक्ट्स। अमेरिका में भी डॉक्टर्स हर्बल प्रोडक्ट्स की ही सिफारिश करते हैं। गुड, आई लाइक दैट वेरी मच। ओके बाय। विशु, ये है मधुमिता के खिलौने जिनसे वो बचपन में खेलती थी। ये दूध की बोतल के निप्पल, ये कमर में बांधने वाला कमरबंद, ये उसका स्कूल बैज, छुटपन में पैर में पहनने वाली पाजेब, इसे देख, ये झारी जिससे उसने पहली बार दूध पिया था। बेटा विशु, ए विशु, बहुत बुरा फंसा आज। क्यों रे, क्या हुआ? वैष्णवी के लिए स्टेट से मैं ढेर भर लिपस्टिक, नेल पॉलिश वगैरह लाया, पर उसने कहा मैं सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करती हूँ। बेवकूफी की बात कर दी ना, पहले उसे अकेले ले जाके घुमा, बात कर, तुझे उसके बारे में, उसको तेरे बारे में जानकारी होनी चाहिए, देन यू गो फॉर अ गिफ्ट। अकेले बाहर ले जाना पड़ेगा? मुझको डर लगता है, उस दिन मुझे हिम्मत दिलाकर भेजा था ना, आज मैंने वही बात बोली तो जनाब डर गए। यही प्यार है, एक मीठी चुभन, Enjoy, भुगत। हेलो वैशु। प्रणाम। प्रणाम। वैशु, वन सेकेंड, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है बताऊं? हरा। सफेद। ओह गॉड। अच्छा वैशु, तुम्हारा लकी नंबर क्या है बताऊं? 7। तो नहीं, मैं बाद में। वैशु एक मिनट, तुम्हारी पसंद का एक्टर कौन है बताऊं? वेल, नाना पाटेकर। नहीं, शाहरुख खान। इससे तुम्हें क्या लगता है? आपकी धारणा मेरे बारे में सर्वथा गलत है। करेक्ट, इसलिए कि तुम्हारे बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। इसलिए आज शाम को दोनों मिलके पार्क शेरेटन में खाना खाएंगे। हाँ? इसके बाद दोनों दोस्त हो जाएंगे। ओके कौन रे? कौन है? मैं अभी आई, मेरा तो खोपड़ी फूट जाएगी। अरे तुम हो, क्या है रामू? कुछ नहीं दादी, इन्हें अपने साथ जरा बाहर चलने को कहा तो वैशु घबरा गई। यही ना, वैशु तू भीतर जा बेटी, जा भीतर। वो क्या अमेरिका वाली लड़की है जो तुम्हारे बुलाते ही फट से आ जाएगी? ब्राह्मण के घर में पली हुई लड़की है। सिर्फ वही बात नहीं, आज तो उसका किसी मंदिर में जाने का विचार था, फिर कैसे जाएगी तुम्हारे साथ? वो नहीं जाएगी। ओ, मंदिर क्या? वेरी होमली। बहुत। आई लाइक इट। आई लाइक इट वेरी मच। दादी। वाह, आज चोला बदल के कहाँ जा रहे हो भाई? मैं मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर, ठीक है, हो। वैशु को बुलाइए ना दादी। वैशु किस लिए? आपने तो कहा था शाम को वैशु मंदिर जाने वाली है। मैं उसे संभाल के ले जाऊंगा और वापस ले आऊंगा। गए काम से। हाँ दादी, वैशु को बुलाइए ना। छे छे छे, वो तो आने वाली नहीं। क्यों? मैं ये सब कैसे बताऊँ तुम्हें? क्यों? वो 2-3 दिन तक आने वाली नहीं, तुम समझ गए ना? क्यों? क्यों, क्योंकि रट तुमने क्यों लगा रखी है? औरतों का मामला है, समझा करो। वुमन्स प्रॉब्लम। हाँ बेटा। आई अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं दादी, 2-3 दिन जाने दीजिए, बाद में ले जाऊंगा। ओके, चलता हूँ दादी। छुट्टी हो गई। हाँ हाँ, आ रही हूँ। हेलो, मैं रामू हूँ। क्या है? दादी ने बताया यू आर सफरिंग फ्रॉम वुमेन्स प्रॉब्लम। हाँ, क्या? दैट 3 डेज प्रॉब्लम। 3 डेज प्रॉब्लम? हे ईश्वर, तो क्या करूँ? इस बारे में बहस लेडीज को पसंद नहीं, मैं जानता हूँ, बट आई एम डॉक्टर। इस वक्त की औरतों की तकलीफ मैं जानता हूँ, इसलिए असरदार गोलियां साथ में लाया हूँ। ये लीजिए, हिचकिचा क्यों रही है? मैं जानता हूँ आपको अंग्रेजी दवाइयां पसंद नहीं है ना, इसलिए नेचुरोपैथी लाया हूँ। मेथी है, इसे मुट्ठी भर मुंह में डाल के गर्म पानी पी लीजिए, 5 मिनट में दर्द फुर हो जाएगा। लीजिए। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।
मिस्टर श्वेतांबर जी, ये क्या? चावल। ये नहीं पूछा। आपके बिछड़ी हुई बेटी 20 बरस के बाद वापस आई है, इसकी खुशी मुंह पे नहीं दिख रही है आपके। क्या कोई मसला है? मसला हो भी सकता है, मसला नहीं भी हो सकता है। मसला अगर है तो हंसना कैसे मुमकिन होगा, ना ही हंसने से मसला खत्म होगा। मसले से दूर भागना क्या मुमकिन होगा, ना ही दूर भागने से मसला हल होगा। मसले का होना ही सबसे बड़ा मसला है। मसले का लफ्ज कई बार यूज किया, आपको शायर का खिताब देता हूँ। बात क्या, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, क्या समस्या है? आज मेरा मौन व्रत है, बोलना मना है। बोलना मना है लेकिन बोल ही जा रही है। पहली बार मौन व्रत रखा है ना, इसलिए रूल्स ठीक से नहीं जानती। नादान है बेटा, खाना खाओ बहू, क्या मसला होगा? घर में बेटी की शादी है, माँ बाप को टेंशन तो होगी ना मिस्टर राजामणि। ए रोनी सूरत, जरा खिलखिला के हंसना बेटा। खिल 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 क्वाइट, कीप क्वाइट। स्टॉप। ये क्या, हम सब हंस रहे हैं, ये क्यों नहीं हंस रही हैं? हंसो ना। शोले फिल्म वाले गब्बर सिंह के माफी हंस रही हैं। मेरी हंसी बेहतर थी। माँ जी, वैष्णवी दिखाई नहीं दे। वो आज थोड़ी बीमार है, अभी आ जाएगी। ओह, क्या हुआ? पापा चुप रहिए आप, ये सब औरतों वाली बात है, थोड़ा चुप रहिए ना। मिस्टर राजामणि, वैष्णव की बनाई हुई कोफ्ता करी दो आपको। दादी दादी दादी, क्या अरे खबर करना, तुम्हें छोड़ूंगी थोड़ी। हे, ये क्या मधु, मेरी थाली से खा रही हो? ये इंडियन ट्रेडिशन है, पति की थाली से पत्नी खाए, ये भारतीय रिवाज है, हमारे एक होने का सबूत है, इट्स अ साइन ऑफ लव। क्या दूं जूनो? वन मोर क्या? वैष्णवी आ गई, मधुमिता चली गई ना। ए रामू के बगल में बैठ बेटी, वहाँ बैठो बेटी। जब ससुर ने कह दिया फिर क्या है? श्वेतांबर, हाँ माँ, खाना खाओ, मिर्ची ज्यादा है। ठीक से खाओ बेटी, पेट भर के खाओ, संकोच मत करना। इसमें से दाल ले लो, मैं आती हूँ। अरे अचार मांग रहा तो पानी देता है। स्टमक पेन अब कैसा है? अब ठीक है। ऐसे क्यों देख रही हो? ये इंडियन ट्रेडिशन है, पति की थाली से पत्नी खाए, ये भारत का रिवाज है, हमारे एक होने का सबूत है, ये इट्स अ साइन ऑफ लव। क्या हुआ? क्या किया? आई एम सॉरी। ओ हो, क्या हो गया? नमक गिर गया। अच्छा, यूं हड़बड़ी में खाओगी तो यही होगा ना, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें दूसरी थाली देती हूँ। बेटी मधु, वैष्णवी नहीं दिख रही? वो आराम कर रही है। ये क्या बेटी, तुम होती तो वैष्णवी गायब हो जाती, वैष्णवी होती तो तुम गायब हो जाती, दोनों बहुओं को साथ में देखने की बड़ी तमन्ना है, पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। बाबू जी बस उतना ही ना, अपन वैष्णवी को लेकर। सुनो, कहाँ जा रहा है? वो कमरे में रेस्ट कर रही है, उनको जाके डिस्टर्ब करेगा? नो, गो बैक। ये क्या रामू, ससुर जी दोनों बहुओं को साथ में देखने को तड़प रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? सुनो, बुराई नहीं है, ऐसी जल्दी भी क्या है, इधर आओ। आज शाम को मधु और वैशु आपके सामने मिलजुल के गाएंगी, सिर्फ गाएंगी नहीं, डांस भी करेंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये है मेरा अमेरिका में खरीदा हुआ रियल टाइम एनिमेशन कंप्यूटर। अच्छा, इसमें वैष्णवी की मूरत भरी हुई। हाँ। ये वायरिंग है ना, मेरी हरकतें कंप्यूटर तक पहुँचाएंगे। अभी मैं जैसे भी हरकत करूंगा, वो सारी कंप्यूटर में बन वैष्णवी भी करने वाली है, उसे प्रोजेक्टर के मार्फत असली वैष्णवी का हक स्टेज पे पैदा करूंगा। ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी। धिम तकर तक धिम तकर तक धिम तकर तक धिम तकर झम।
छन की तो कहते हैं छन छन खन खन हो या फिर छन छन हो, मतलब इनका है जब तक हो दो मैं भी हूँ तब तक, जब तक तुम हो जो सच है वो तुम मान ही लो। राजा मनी दद्दा, ए पारस मनी दद्दा, आजा 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 आजा। ये कह रहे ऐसा क्यों हो गया? तुझे देख के बड़ा दुख हो रहा है। मेरा किस्सा छोड़ो दद्दा, ये बताओ तुम ठीक से तो हो ना? बहुत अरसे के बाद मेरी खुशी आज वापस मिली है मुझे। ये बता सुंदरी बहू नहीं आई? वो नहीं आई, वो वैसी की वैसी है और बुरी हो गई है। अब दादा पहले मेरे भतीजों को बुलाओ, उनको देखने के लिए तड़प रहा हूं। विशु रामो, विश्वनाथ राम मोहन तुम्हारे चाचा। ओह माय गॉड, हमें आशीर्वाद दीजिए चाचा जी। खुश रहो बच्चों। रामेश्वरम के श्री राजामणि और स्वर्गवासी श्रीमती मंजरी देवी दंपति के ज्येष्ठ पुत्र विश्वनाथ नाम के विशु के साथ मद्रास स्थित श्री श्वेतांबर व श्रीमती दुर्गा देवी की ज्येष्ठ सुपुत्री मधुमिता का, उसी प्रकार श्री राजामणि दंपति के द्वितीय सुपुत्र रामू के साथ श्री श्वेतांबर व दुर्गा देवी दंपति की द्वितीय पुत्री वैष्णवी का शुभ विवाह निश्चित किया जाता है। आगामी पौष मास के प्रथम मुहूर्त में विश्वनाथ व मधुमिता का विवाह तथा द्वितीय मुहूर्त में चिरंजीव राम मोहन व वैष्णवी का विवाह संपन्न कराने का निर्णय। रुकिए, ये क्या धनवंती माँ जी, अलग अलग मुहूर्त क्यों?
एक ही मंडप में एक ही मुहूर्त में दोनों शादियां करनी चाहिए ना? ईश्वर, बिल्कुल नहीं। एक ही मंडप में और एक ही मुहूर्त में दो शादियां की गई तो उसमें से एक ही सफल होती है, ये परंपरा है। मेरी जानकारी में ऐसे की गई दो शादियां शुभ नहीं हुई। एक के बच्चे नहीं पैदा हुए, दूसरी वाली के पति को पागलपन का दौरा पड़ गया। ये बताइए माँ जी, आपने जो शादियां देखी वो जुड़वा बच्चों की थी? नहीं। तो फिर हमको डरने की क्या जरूरत है? हमारी अलग अलग शादी हुई इसलिए मुझे पत्नी का सुख नहीं मिला और मेरे भाई का जीवन भी सुखी नहीं हुआ, इसलिए मेरे बच्चों की एक ही मंडप में एक ही मुहूर्त में शादी करनी होगी। इसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। पंडित जी, पत्र का बदल के लिखिए। बहुत आनंद हुआ। लाओ शगुन लीजिए। सगाई की रस्म पूरी हो गई। शुभ हो गई। मैं और मेरी पत्नी तिरुपति जाके अपने पाप धोकर वापस आएंगे। पाप मतलब क्या? कुछ नहीं, 20 बरस खुद की बेटी को अपने से अलग रखा ना, उस पाप को धोने के लिए तिरुपति को जाने वाला है बोल रहा है। ओ, ये बात है ना? ये बात हो भी सकती है, ये बात नहीं भी हो सकती है। ये बात अगर सच है तो ईश्वर हमें दंड देने वाले हैं क्या? ये बात सच नहीं है तो ईश्वर क्या हम सब मुंह मोड़ लेंगे? चुप रहो, तुम्हारे बदले बॉन्ड रुक मैं रखा तो अच्छा था। कहां बच गए? राजामणि, तेरा नाम है, तेरे बाप का नाम है? दत्तक। कैसा कर्जा बता, कितना कर्जा है? तेरे दद्दा ने करोड़ों कमा के रखा हुआ है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, ये पैसे से ठीक होने वाली बात नहीं दद्दा, वो पुरानी कोई बात नहीं बोली। तुम्हारा नाम लेता हूं तो भड़क जाती है, उसकी कोख से पिस्सू तक भी पैदा नहीं हुआ। इसी गुस्से में वो सनकी हो गई है, हर बात में काटने को आती है वो। मैंने सोचा हर दिन की पीड़ा सहने से तो मर जाना अच्छा है, तो चिट्ठी आ गई तुम्हारी, इसलिए मरने से पहले तुमसे और बच्चों से मिलने को जी चाह तो आ गया। मैं आया तो बहुओं को देखने की खुशी भी साथ लेके यहाँ पे लेट गया आके। ये मनुष्य जीवन है ना, जीने के लायक तो है ही नहीं, मरने के लायक भी नहीं है, लायक नहीं है। धोबी का कुत्ता हूँ, धोबी का कुत्ता। मैं एकदम बेकार आदमी हूँ दत्ता, एकदम बेकार आदमी हूँ दत्ता। देख, जब तक मैं हूं तुझे नहीं मरने दूंगा। तुझे और सुंदरी को छोड़ के मेरा और कौन है? बात सुन, तू और सुंदरी बहू दोनों मिलके ब्याह में आएंगे, तभी मेरे बेटों की शादी होगी। थोड़े दिन मैं पारसमणि बन के गांव जाता हूं और बहू को कैसे भी समझा बुझा के शादी भर लाता हूं। तब तक तू राजामणि बन के संभाल ला यहां। मेरे दत्ता ही नहीं, देवता हो, चाहे जो करो ठीक ही करोगे। साले, मेरे को जाने को बोलता है, कर्जा उसने खट्टू को दिया ना, मेरे संभालने का नहीं, क्या खबरदार। ए, उतारे सब सामान। अबे जा बे, होट डालूंगी, ये सब मेरी माँ ने दहेज में दिया था। दुकान के अंदर जो भी सामान है बोले जाने का,
कर्जे वालों से जान बचाने के लिए बाजार का बहाना करके भागने वाले को एक दिन का भी नहीं दूंगी। ये काफी नहीं है, भीतर का सारा सामान लेके आओ। अरे दरवाजे को धीरे से रखो रे। ठहर सुंदरी। काय को पूरा सामान ले गए वो, अब यहाँ मैं अकेली सड़के क्या करूँगी। मैं जा रही हूँ अपने मायके, पसीना बहा के पैसा कमा के मेरे साथ कुटुंब चलाने की जब ताकत हो तो मुझे खबर कर देना। हराम का खाना है तो इज्जत को ताला मार के मेरी मैया के पैरों में आके गिरो। मेरा बाप चार कुत्तों को सूखी रोटी में पालता है, पांच में तुम सही, समझ गए। ए चल गाड़ी निकाल। पारसमणि दत्ता, पारसमणि दत्ता, तुम्हारी लॉटरी को पहला प्राइज लगा है। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, रोक रे। पहला प्राइज 25 लाख है दत्ता। अरे हाँ भैया, पारसमणि लखपति हो गया। पूरे 30 लाख हो। अरे हटाओ हटाओ हटाओ, छोड़ो। अरे बेचारे थके हारे लौटे, ठीक से हवा तो आने दे। ए ए तू भाग के जा कुछ बैठने को ले आ। ए तू भाग के जा सोडा ले, सोडा। जरा देर पहले जब कुत्ता कह रही थी, अब पैसे आके तो दौड़ के चिपकती। ओए अपने मरज से चिपकती हूँ, जोश में लाने के लिए डांटती हूँ, तुझको तेरी जोरू नहीं डांटती, ऐसे ही मैं डांटती हूँ। मुंह बंद कर अपना काम कर। जी मैंने डांटा तो तुम्हारा अच्छा टेम आया, वो टिकट मुझे दे दो, मैं रुपए लाती हूँ जाके। तुम गए ना तो हाथ में 2500 थमा के बोलेगा जाओ बड़े ठगे। पैसे मेरे पास रहे तो कुटुंब को जोरों से चलाऊंगी, रोज जेब खर्च को कुछ चाहिए तो तुम्हें 5 रुपए दे दूंगी। ला टिकट दो। सुंदरी प्राइस मिला तो कोई धोखा ना दे, उसके लिए टिकट पे अपना नाम लिखवा दिया, इसलिए मुझे ही देने वाले। भैया रे दैया, मैं तुम्हारी लुगाई हूँ, मुझे भी देने वाले नहीं क्या? बाबूजी, पारसमणि, तुम कभी फंस जाओ तो इस किताब को पढ़ने का बहाना करना। बाबूजी, इस कुकिंग एनसाइक्लोपीडिया में क्या पढ़ रहे हैं आप? तुम्हें धन्यवाद कहने आया हूँ। धन्यवाद किस लिए? जिन लोगों के पास काला धन है उसे सफेद बनाने के लिए प्राइज वाली टिकट रुपए देकर हमसे ले जाते हैं। आप तो अपने कुटुंब के मेल मिलाप के लिए ही मुझसे टिकट ले गए थे। भैया लॉटरी लगते ही पारसमणि ने 2 दिन में होटल का हुलिया बदल दिया, अब तो बहुत सियाना भी हो गया है। आइए आइए रामस्वामी, इनका ख्याल रख। भैया हिसाब किताब के अंदर काफी कमजोर हो, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो इसलिए ये काम तुम्हें दिया है, ठीक से संभालना, तुम्हारे सुख दुख का सारा जिम्मा मुझ पे है। इस डिजाइन की एंगेजमेंट रिंग है क्या? सॉरी सर, स्टॉक नहीं है, आप ऑर्डर देंगे तो बनवा देंगे। ऑल राइट। आपका नाम? राममोहन। दादी क्या है रानी? दादी वो रामू बहुत तंग कर रहा है दादी। अरे अरे क्या कर रहा है? वो अंगूठी बनवा लाया है, एंगेजमेंट रिंग है बोला, मुझे पहनाने की जिद पे अड़ा है। मुझे अब 1 मिनट भी वैष्णवी बनना मंजूर नहीं। वैष्णवी बनना मंजूर नहीं, मत बन। अब वैष्णवी बिल्कुल मत बन। आज ही रात तेरे एग्जाम्स है बोल के तू फौरन यहाँ से भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा रानी। वैष्णवी भी रन आउट क्या? अब क्या किया जाए? इसके अब 2 ही रास्ते हैं। बोल। पहला किसी और छोकरी को कैसे भी पटा के बुलवाना होगा, नहीं तो जुड़वा बहने ही मेरे घर में आएंगी ऐसा जो बोल रहा है उस औंधे सिर के राजा मणि का मन बदलना होगा। पर कैसे? इसके लिए पांडिचेरी में रूम बुक करके दोस्तों के साथ गंभीर चर्चा करने वाला हूँ, मेरी तलाश मत करना। सही घड़ी पे अचानक टपक कर मधु की शादी करा के सबके छक्के छुड़ा दूंगा। देखो पारसमणि, तुम्हारे पास सब सुख सुविधा आ गई है, ईश्वर की कृपा से अच्छा बखत आ गया, सब होके क्या फायदा हुआ? बुढ़ापे के बखत तुम्हारी देखभाल के लिए, तुम्हारी दौलत का सुख भोगने के लिए कोई वारिस न देके ईश्वर ने तुम पे बड़ा जुल्म किया। चुपचाप इससे शादी कर लो, 4-6 बच्चे पैदा कर देगी। दूसरी बीवी लाना हमारे कुटुंब का तरीका नहीं है, दद्दा ने भी आज तक दूसरी शादी नहीं की। तुम्हारे दद्दा के तो शेर के बच्चों की तरह 2 बेटे हैं, तुम्हें तो आग देने वाला भी कोई नहीं। इसका कारण मैं भी हो सकता हूँ माई। बिल्कुल नहीं, इस कुटुंब का बीज बहुत अच्छा है भैया, तुम्हारे दद्दा को बच्चों का सुख मिला है तो दोष तुम्हारे अंदर नहीं। तुम्हारी लुगाई ने तुम्हारी भाभी को 2 घूंट सोडा भी न देके मार डाला, उसी पाप के कारण गोद सूनी हो गई उसकी। गांव का शराब भोग भोग के कोक सुख के बेजान हो गई है, इस उम्र के बाद वारिस होने की कोई आशा भी नहीं है। ए भैया तुम्हारी ये कमी पूरी नहीं हो सकती। किसमें कमी नहीं है? मेरे में कमी नहीं है क्या? खाना बनाना नहीं मालूम मुझे, ठीक से हिसाब किताब भी नहीं आता, उसको मेरी कमियां जब नहीं चुपती तो उसकी कमियों को मैं क्यों देखता फिरूं? बोलो।
बात सुनो शांति दीदी, मेरे औलाद नहीं हो तो भी मुझे फिक्र नहीं, लेकिन मैं सुंदरी पे ये जुलूम नहीं करूंगा। मेहरबानी करके आप यहाँ से जाओ, जाओ जाओ। वैशु आओ, यही कंपार्टमेंट है। जूस, ड्रिंकिंग वाटर सब रख दिया। जस्ट वन सेकेंड, आई विल बी बैक। ये लो विमेन जीरा फेमिना, पढ़ने के लिए। तुमसे दिल खोल के बात करने के लिए सबको सबको टाल के आया हूं, लेकिन तुम तो एक लफ्ज भी नहीं बोल रही हो, तुम बिल्कुल खामोश हो। ये भी मुझे पसंद है, तुम्हारी खामोशी भी सुरीली है। आई लाइक इट वेरी मच। मैं तुमको जब भी देखता हूँ भाभी की याद आती है मुझे, वो भी तुम्हारे जैसी है। भाभी को भैया से बेहद प्यार था, मगर एयरपोर्ट पे भैया से बिना कुछ बोले दुखी होके जहाज पे चढ़ गई, लेकिन फिर भी भाग्य ने उन्हें दोबारा मिला दिया। तुम भी उसी तरह मुझसे कुछ बोले बिना चली गई तो मैं दुखी होके मर जाऊंगा। मैं तुम्हें पसंद तो हूं ना? भाभी और भैया में तो बहुत प्यार है, लेकिन जुड़वा होने के नाते हमारी शादी भी उनके साथ हो रही है, वो मजबूरी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, ऐसी फीलिंग तो नहीं है ना? ये बात दिल में नहीं है ना? मैं तुमको पसंद हूं ना? खामोशी का मतलब रजामंदी है, पर ये मेरे लिए काफी नहीं है। प्लीज एक बार खोल के बोल दो। सिग्नल हो गया, गाड़ी बढ़ रही है, पर हमारा प्यार है कि आगे बढ़ ही नहीं रहा। मैं पसंद हूं सिर्फ एक बार बोल दो, प्लीज सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, बस प्लीज। वैशु, जवाब सुने बिना मेरा जाने को मन नहीं कर रहा, मैं भी तुम्हारे साथ कोड़ेकनाल चलूं क्या? ओहो, पहले नीचे जाइए, मैं अपने दिल की सारी बातें आपको बाद में लेटर में लिख के भेज दूंगी। प्लीज नीचे उतरिए। मैं समझ गया, तुम बोल नहीं पा रही इसलिए लिखोगी, ये काफी है। टेक केयर, मैं चलता हूं। हे भगवान। वैशु, एक बात साफ साफ लिखना, आई लव यू लिख देना। ओके बाय वैशु। मधु, मैं यहाँ हूँ। मेरा मरने को दिल कर रहा है दादी। क्यों बेटी? रामू कौन है दादी? देवर है मेरा, देवर खुद की बेटी जैसा होता है। बेचारा रामू झूठे इश्क के सपने सजाकर पागल आदमी जैसा घूम रहा है। कल जब वैष्णवी का झूठ उसे पता चलेगा तो उसकी क्या हालत होगी? अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत कर ली तो विशु के सामने क्या मुंह लेके जाऊंगी मैं? बस बस बहुत हो गया, ये धोखेबाजी में डूबकर सबका दिल दुखा के शादी करने से तो अच्छा होगा मैं सच बात सबको बताकर पैरों में गिर के माफी मांग लेती हूँ उनसे। उसके बाद अगर हमारी चाहत में शक्ति है तो हम फिर से मिल जाएंगे। कैसी बातें कर रही है, मक्खन मन के ऊपर आ गया तो मटका फोड़ रही है। अब तू उन्हें सच्चाई बताएगी? तेरा वैष्णव का स्वांग खत्म हो गया है ना, अब रामू को भी धोखा नहीं देना है ना। शादी भी पास आ गई है तो मंगलसूत्र पहले अगले ही मिनट रामू के पैरों में गिरकर मुझे क्षमा कर दे बेटा, मैंने इनके प्यार की खातिर झूठ बोला उसे कह दूंगी। अरे मैं तो सबके पैरों में गिरकर माफी मांग लूंगी रानी। दिल को चीर के माफी मांगने से लाशें जिंदा हो जाएंगी, अब मुझसे नहीं होगा दादी। तो जा, जाके सबको सच्चाई बता दे, मैं इसी ट्रेन के सामने गिर के अपनी जान दे। हाँ दे दो, पहले यही करो, मैं सच बोल के जिंदा थोड़ी रहने वाली हूँ। अरे बेटी रानी रुक जा। मधु, मधु, ए जूनो, ये मादेश करूँ मैं ना? सो व्हाट, तू क्यों छेड़ रहा है इसे? विशु ये सुपर कंप्यूटर है,
उस दिन वैष्णवी और मधु दोनों डांस कर रही थी तो वो मादेश है ना, इन वायरों को उसमें लगा के इस कंप्यूटर के साथ नाच रहा था। अपन भी नाचने को सोचा लेकिन स्विच किधर है पता नहीं, थोड़ी उंगली करना है। ए, तू मादेश की चीजों को क्यों छू रहा है? पहले ये सब निकाल के इन्हें अपनी जगह पे रख दे, समझा? आखिरी बार वो ट्राई मारता है, आज तू फंसने वाला है। वेशु आ गई। वेशु ये देख, अपन जैसी हरकतें वेशु भी कर रही है। तुझे और कुछ काम नहीं है। ए मधु, वैसा एक और झटका तो लगा। ए मादेश, बस बहुत हो गया। जाते आते पोज तो दिखाती जा। विशु, तुम्हारा गुस्सा समझती हूँ, जो भी हुआ वो किस लिए हुआ यही बताने को आई हूँ। क्या बताओगी क्या तुम? पोल खुल गई तो सच बोलने का ढोंग करोगी क्या? ये नाटक कब तक सहूंगा मैं? भगवान के लिए मैं जो कह रही हूँ सुनो विशु। चुप जाओ, तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया क्या? तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया मैंने, इसलिए मेरे मुंह पे काली पोत दी तुमने। नहीं विशु, भगवान के लिए जरा मुझे बोलने दो। ए, मैं पागल हूँ जो तुम्हें इतना प्यार किया? मेरे भाई ने कौन सी भूल की थी बोलो, कौन सी भूल की? भोले इंसान को अमेरिका से बुला के उसे शादी की आशा दिला के उसे पागल जैसा बना दिया सबने, क्यों? You bloody cheat! बेटा विशु, उस पे गुस्सा मत करो, भगवान के लिए मेरी बात सुनो, मधु की जरा भी भूल नहीं है, तुम दोनों की शादी कराने के लिए ही ये जुड़वा है, ऐसा मैंने झूठ बोला? मधु से वैष्णवी का नाटक मैंने ही करवाया। मुझे गाली दे लो, अपनी चप्पल से मारो, मैं सब सह लूंगी। कैसी औरत है तू? तुझको देखकर मुझको घिन आती है, मुंह खोला नहीं कि झूठ। बेचारी इंडिया से आई है, तकलीफ में है, इसलिए दौड़ दौड़ के मदद की, इसके बदले मेरे पूरे परिवार को यहाँ बुला के चप्पल मारे तूने। कसम से मेरा और मेरे परिवार वालों का किसी को दगा देने का इरादा नहीं था विशु, भगवान के लिए मेरी बात। अग्नि पे हाथ रख के झूठी कसम खाने वाली औरत है तू, किस मुंह से विश्वास करने को बोल रही है? थोड़ा धीरज बात मत कर। मधु, आप विशु राजामणि, विशु छोटा बच्चा है, ये इस वक्त बहुत गुस्से में बोल रहा है, उस दिन सिर्फ जुड़वा बहनों से ही शादी करूंगा, सख्ती से बोले थे ना दोनों के प्यार में बाधा ना पड़े, दोनों की शादी हो जाए, इसके लिए क्या करूं सोच रही थी, फिर जट से वो झूठ बोल दिया। मानती हूँ मैंने जो कहा झूठ था, सबको धोखा दिया, वो मेरी भूल थी। आप बोलेंगे तो आपके पैरों में गिर के माफी मांग लूंगी, भगवान के लिए ये शादी करवा दीजिए राजामणि। पापा हट जाइए वहां से, आपके पैरों में गिर के माफी मांगने के बहाने आपके पैरों को खींच लेगी ये, इसका भरोसा ना कीजिए, ये झूठी है, इसकी हरकतें नाटक है, ये पूरी क्रिमिनल है, ये फरेबी खानदान है, हम चले जाएंगे यहाँ से पापा, जल्दी चलिए। बेटा, बेटा, विशु, मधु, ईश्वर, हे
बचपन से देख रहा हूँ तुम्हें बेबी, एक दिन भी तुम्हें उदास नहीं देखा बेबी। खा लो बेबी, तुम कुछ भी नहीं खाए तो दादी मेरी बोटी बोटी कर देगी, खा लो बेबी। भूख नहीं है जोसेफ। आइए यो, किनारे जाने में 2 दिन लगने वाले हैं, बोलो तो बोट किनारे को ले लूं क्या? कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल हार चुकी हूँ मैं, किसी से नहीं मिलना मुझे जोसेफ। ए बेबी, मेरे सवाल का बुरा नहीं मानोगी ना? लव फेल हो गया क्या? अगर प्यार किया है तो ऐसा ही होएगा। खुशियों के गुलशन में आग लगा गई वो, आग बुझेगी आंसू से ये समझा गई वो। सोच के डर गया, वो हद कब की पार कर चुका हूं। ऐसे क्यों बोल रहा है? तुझे देख के मुझको डर लग रहा है, मुझे अपना रामू वापस चाहिए, हम ये शहर छोड़ देंगे, वापस अमेरिका चले जाएंगे। अपनी जान यहां छोड़ के वापस अमेरिका जाएगा, क्यों झूठ बोल रहा है? मधुमिता की बात कर रहा है जी, नाम बदले उस मक्कार का, झूठी है वो, दोगली है, अपने अरमानों की कब्र में उसे दफना दिया है मैंने, मेरे लिए मधुमिता मर गई। इसलिए उसकी फेंकी हुई तुतई स्कूल बैग वगैरह तूने दोबारा संभाल के रख लिए हैं? ठीक है, मैं पागल था, बाहर में जाने दे, मुझे इश्क किया था मैंने, लेकिन तूने तो कुछ भी नहीं किया, तुझे धोखा दिया वो सहन नहीं हो रहा। तेरे लिए ही मुझे धोखा दिया, तुझसे शादी करने के लिए ही वो चाल चली उन्होंने, नाटक को सच समझ के मैंने धोखा खाया। अब मालूम हो गया, लोग सिनेमा जाते हैं, फिल्में देखते हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, फिल्म पूरी होते ही अपनी दुनिया में आ जाते हैं, ठीक वैसे ही मैंने बीती बातें भुला दी। तू इतने बड़े दुख को छुपाकर मेरी खातिर फलसफे की बात कर रहा है? ए, कौन है वो? भाभी है ना,
वो भाभी है जैसे ही मालूम हुआ सारा गिला दिल से निकाल दिया। अब कोई जख्म नहीं है। बेचारी वो मुझसे ज्यादा परेशान हुई है। भाभी के रिश्ते को कलंक से बचाने में, मेरे जैसे पागल आशिक को संभालने में उन्होंने कितने दुख झेले होंगे। वो धोखा नहीं है, वो दगाबाजी नहीं है, तुझसे प्यार है उन्हें, उनका प्यार सच्चा है। शी इज अ जेम ऑफ अ वुमन। तुम दोनों की शादी करवाने का जिम्मा अब मेरा है, ओके? पापा, क्यों पापा आप हमसे बात क्यों नहीं करते? जब भी बात करने के लिए आते हैं बुक लेके बैठ जाते हैं। अभी तक मेरा फैसला वैसा का वैसा ही है। पापा आप जुड़वाओं से शादी करवाने की क्यों जिद कर रहे हैं? भाभी के सिवाय दूसरी लड़की से आपने शादी करवाई तो भैया बहुत दुखी हो जाएंगे। भैया खुश नहीं रहेंगे तो मैं भी खुश नहीं रहूंगा। अगर हम दोनों खुश नहीं रहे तो आप भी खुश नहीं रह पाएंगे। हम तीनों की खुशियों को मटिया मेट करके आप अपनी उसूलों की पूजा करेंगे। बोलिए पापा बोलिए। जो भी हो, गांव से छोटा आएगा उसके बाद ही सब मिलकर सारी बातों का फैसला करेंगे, समझे? पापा अपने बेटों की शादी का फैसला आपको करना है, उसके लिए आपके छोटे भाई को क्यों आना है? आपके भाई की वजह से ही मुसीबतें आई हैं। पापा आपके भाई अगर होशियार होते तो ये समस्या ही नहीं होती। आपके भाई की पत्नी नेक औरत होती तो ये परिवार टूटता नहीं। आपके भाई और भाई की पत्नी नेक इंसान नहीं है, इसके लिए हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बस करो, बहुत हुआ। विशु, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक मधुमिता से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। Yes! लेकिन अभी वाले मुहूर्त में नहीं, उससे पहले जितनी भी जल्दी हो सके उसमें हो जानी चाहिए। क्यों पापा? वो मेरा मन बदलने से पहले शादी हो जानी चाहिए। थैंक्स पापा। मेहरबानी करके मेरी बात सुनो। मधु प्लीज। हम जोता हो रहा है, चलो चलो। मधु मेहरबानी करके मेरी बात सुनो। किस लिए? तुमने सुनी थी उस दिन इसी तरह मैं भी गिड़गिड़ाई थी। भगवान के लिए मेरी सुनो, कह के मैं रोती रह गई। मेरे हो गए थे ना लाड साहब उस दिन, फ्रॉड धोखेबाज, कैसी कैसी बातें की थी। अब समझाने आ गए, दफा हो जाओ। वो भूल थी मधु, जिस हालत में उस दिन तुम थी आज उसी हालत में मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूँ। मुझे क्षमा करके अपनाओगी? नहीं मधु प्लीज।
जो खुशबू है कैसे वो आती है, तितली कहाँ से ये सारे रंग लाती है, हवा को बांसुरी बनाती है संगीत कैसे, कोयल सीखे हैं ये इतने प्यारे गीत कैसे, है ये अजूबे लेकिन एक और अजूबा है, धरती से अंबर से पर्वत से सागर से हमने सुना प्यार अजूबा है, पहली नजर में ही जो दो दिलों में हो हर वो करार अजूबा है, फूलों से जो खुशबू आई अजूबा है, तितली जो सारे रंग लाई अजूबा है, बांसुरी का ये संगीत अजूबा है, कोयल जो गाती है गीत अजूबा है, ये भी हैरान है ऐसा भी एक अजूबा है, कहने को सात अजूबे हैं पर शायद लोग ये भूले हैं एक और अजूबा भी है, रेशम रेशम चंदन चंदन तेरा महका महका ये बदन कोई अजूबा ही है, आंखों के नीले दर्पण होठों का ये भीगापन ये रूप तेरा अजूबा ही तो है, बाहों की गर्मी ये भी अजूबा है, हाथों की नरमी ये भी अजूबा है, ये चमन सा बदन कोई अजूबा है, धरती से अंबर से पर्वत से सागर से हमने सुना प्यार अजूबा है, फूलों से जो खुशबू आए अजूबा है, तितली जो सारे रंग लाए अजूबा है।
बांसुरी का ये संगीत अजूबा है, कोयल जो गाती है गीत अजूबा है, ये भी हैरान है जिस पे तुम वो अजूबा हो। सुंदरी तेरे को एक बात मालूम है, दद्दा हिंदुस्तान आए हुए हैं, तेरे को बता बिना मैं उनसे मिल भी आया। दैया रे दैया, तुमने मुझे ऐसी तगड़ी खबर अभी सुनाई? दद्दा के बेटों की मद्रास में शादी हो रही है। हाँ? हमको खुद बुलाने इसलिए नहीं आया कि कहीं तो कोसने न लग जाए। खुद के सगे वालों को देखने के लिए तरस रही हूँ, ऐसा क्यों सोचा? इतने बरस का मेरा दुख दूर हो गया सुंदरी। ये बताओ पारस मणि, मद्रास से तुम्हारा कोई मेहमान आया है। हाय तोता मैना टू। आओ आओ महादेश बेटे। ये कौन है? हमारी बहुओं का छोटा भाई। ओ अच्छा। हेलो, ये यहाँ किस लिए आया? चाहे आपको लॉटरी में रुपए मिल गए होंगे, आप सिर्फ लखपति हैं, लेकिन आपका जन्म विरोधी वही वो राजा मणि करोड़पति है। टू बैड, आई डोंट लाइक हिम। आप भी अमेरिका को जाओ, उस गांधी रेस्टोरेंट के सामने नेहरू रेस्टोरेंट चालू करो, करोड़पति बन जाओ। मैं इधर इसके लिए आया हूँ, जैसा बोलू वैसा करने का है, सारा इंतजाम कर दूंगा। नहीं बेटे, हम चार इडली दो वड़े और चाय, वहीं तक रहो। इसका दद्दा डालडा कल का है। अरे वही राजा मणि, मेरे जुड़वा बेटों की जुड़वा छोकरियों से ही शादी होगी उसने बोल के बड़ी टेढ़ी मेढ़ी पाबंदी लगा दी, यही से गड़बड़ चालू हो गई। वाकई मेरी सगी दीदी जुड़वा नहीं है, पर सच बोलने से वो राजा मणि कभी मानने वाला नहीं। बाप के बोले बिना विशु का बच्चा शादी नहीं करेगा, उसका रास्ता है आदमी बदल डालो। तुम्हारा मरद यानी ये पारस मणि वहाँ राजा मणि बन के कहे शादी कर तो विशु का बच्चा फौरन राजी हो जाएगा। तो फिर राजा मणि? मोटे डंडे से जोर का फटका, उस लाल जैकेट की छुट्टी, उसे रूम में पटक के ताला लगा देंगे, शादी के बाद उसको छोड़ देंगे। जाने कुत्ते, तू हमारे बड़े भैया का कुसुम नाश करने के लिए आइडिया बोल रहा है? आइडिया बोल रहा है सुंदरी, तेरी तो भैया को उल्टा सीधा बोल रहा है। अरे तो छोड़ साले, छोड़ दे। देख इस वक्त तो गुस्सा है, मैं समझाता हूँ उसे। सुंदरी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, मैं इसका मुंह चप्पल से फोड़ दूंगी। आप बोल रही है, उसे मार के भगाया तो वहाँ जाके कोई दूसरा उधम करेगा। अभी वो जो कुछ भी कह रहा है मान के उसे दद्दा को सौंप देंगे। क्या? दद्दा उसकी खबर लेंगे। अरे महादेश भैया, किधर था तुम बेपरवाह लड़का? घर में शादी है, तुम गायब हो गए। तुम्हारी दादी और डैडी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। शादी हो रही है? शादी किसकी? क्या तुम भी, अपनी बेबी का शादी, भूरे लाल के शादी के मंडप है, मुहूर्त 10:15 का है। दूल्हा कौन है? क्या आप भी सब कुछ हमसे ही पूछ रहे हैं? आपके जुड़वा बेटे में से बड़ा बेटा। आइए आइए बता दीजिए, आइए पधारी छोटे समधी जी। आप नहीं थे तो मैं कितने सोच में पड़ गया था मालूम है। आइए पधारिए। नमस्ते। ये कौन? छोटी समधन जी है क्या? आइए। नमस्ते। तू कहाँ भाग गया था? बारिश में भी मुर्गी की तरह गंदा लग रहा है, जाके ड्रेस बदल भाग। छोटी समधन जी आओ बहन, भीतर आओ। दद्दा कहाँ है? यही कहीं तो थे। आइए। दद्दा, क्या चल रहा है? किससे पूछ के शादी की जा रहे? हाँ दद्दा, मैंने ही कहा था। पहले कपड़े बदल जाके। बहू तो माँ की तरह ही सुंदर है। ए रामू, मजाक मत कर। दद्दा रुक जा, दद्दा रुक जा, दद्दा। विशु नीचे फौरन। पापा उठ वहां से। राजा मणि, ये क्या किया आप? विशु को उठने को क्यों कह रहे हैं? आपसे कोई भूल हो गई क्या? यार के स्वागत में कोई कमी रह गई भाई साहब। लिसन,
आपसे मैंने शुरू में ही कह दिया था, मेरे बेटों की शादी जुड़वा बहनों के साथ ही होगी। लेकिन आपकी बेटी जुड़वा नहीं है, मुझे धोखा देके फ्रॉड करके ये शादी करवा रहा है, ये नहीं चलेगा। ओहो, क्या हो गया राजामणि, दोबारा बैताल की माफिक पेड़ पे क्यों चढ़ रहे हैं? आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? आपकी मंजूरी से शादी हो रही है। किसने मंजूरी दी, किसने मंजूरी दी? Listen, don't ever try to make me a fool, right? पापा, क्या हुआ आपको, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? उस दिन कहा था आपका मन बदलने से पहले शादी हो जानी चाहिए, आपके कहने से ही मुहूर्त पहले रखवाया है। मेरे सुना क्या, खुद का बेटा बोल रहा है कि उस दिन शादी की मंजूरी दी थी, अब फैसला क्यों बदल रहे हैं? बोलिए। यस यस, उस दिन हाँ कहा था। हाँ जी, लेकिन अब कहता हूँ कि यह शादी नहीं होगी। ओए, क्या बकवास कर रहे हो, उस दिन मंजूर थी, आज नहीं है, तमाशा लगा रखा है। एक दांत तोड़ दूंगा मैं तेरे। यूं ही अनजाने में क्यों? आपने झूठ नहीं बोला, धोखा देके मुंह पे कालिक नहीं पोती, मेरे लड़कों को बेवकूफ नहीं बनाया। हमें कितना दुख हुआ, कितना दुख हुआ, वो दुख आपको भी सहना है, जैसे मैं तड़पा हूँ आप भी तड़पिए। इसलिए इसलिए उस दिन मैंने मंजूरी का नाटक किया, यह एहसास दिलाना चाहता हूँ मैं आपको। ए, नीचे आ, विशु नीचे मत आना। तुम जाओ विशु, ये शादी नहीं होगी, हमसे बड़ी भूल हो गई, सजा भुगतनी होगी, सब खत्म हो गया। भाभी बटन जाइए, भाभी मेहरबानी करके रुक जाइए, भाभी प्लीज। ये क्या लगाया है, ये क्या बार बार जुड़वा लड़कियां बड़बड़ा रहे हैं? आपके दो बेटे हैं इसलिए जुड़वाओं से शादी करवाने की जिद पे अड़े हैं ना? अब से आपके दो बेटे नहीं है, सिर्फ एक बेटा है, मैं खुदकुशी करके मर जाता हूँ। ए, किस लिए मरेगा तू? ये कौन होते हैं शादी रोकने वाले? इस तरह हजार लोगों के बीच एक परिवार को भरोसा दिला के उन्हें बुरा भला कहने वाला हमारा बाप नहीं हो सकता। ये शख्स तो कोई 420 क्रिमिनल, फ्रॉड, विश्वासघाती। किसके बारे में तुम ऐसी बातें कर रहे हो? हमारा कुटुंब सुख और शांति से रहे इसके लिए तुम्हारे पापा कितने बड़े धर्म संकट में फंसे हुए मालूम है क्या तुम्हें? ए, मुंह बंद कर, पारसमणी हड़बड़ी मत कर, सबर सबर। नहीं दद्दा, दद्दा ने शादी की मंजूरी नहीं दी। दद्दा मुझे चाहे जान से मार दो, कोई फिक्र नहीं, मेरा कुटुंब ना भी घर जाए इसलिए तुम सच्ची बात छुपा छुपा के अपमान सह रहे हो। दद्दा मेरा कुटुंब भी घर जाए मुझे फिक्र नहीं, तुम और तुम्हारे बच्चे नहीं बिछड़ने चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। दद्दा ने शादी की मंजूरी नहीं दी, इस शादी की मंजूरी देने वाला मैं हूँ। चुप, क्योंकि दद्दा यहाँ पे मौजूद नहीं थे कल तक। दद्दा के फेस में मैंने इस शादी के लिए हाँ बोला था। रामेश्वरम में मेरे मरद बन के आए थे? तुम क्या मनुष्य हो? मुझे तुमसे नफरत हो गई है। रात को घर में आने वाला मेरा मरद है या उसका भाई है, जाने बिना एक औरत का उसके साथ रहना शर्म की बात है। मैं इतने दिन अकड़ती रही, जलती रही, मगर तुझसे तोड़ डालूंगी कहती रही, लेकिन अब कहती हूँ कि इस धोखे के बाद मेरा इस रिश्ते से चिपके रहने से तो अच्छा है कि सुहाग की निशानी को तोड़ के पति के बिना जिंदा रहूं। बहुत हुआ सुंदरी, बहुत हुआ, मंगलसूत्र तोड़ दूंगी कहकर मुझे नरक में क्यों ढकेल रही हो? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मैंने? तुम्हारे कुटुंब के लिए जो किया अच्छे के लिए किया मैंने, मेरे पति के नाटक को मुद्दा बना के तोड़ दूंगी इस बात पे तुम क्यों अड़ी हुई हो? तुम नहीं अड़े क्या? ये बोल के कि जुड़वा लड़कियों से ही अपने बेटों की शादी करवाऊंगा, तुम फिजूल जिद में नहीं अड़े? खुद के भाई के जोरू को सुधारने के लिए तुम ड्रामा कर सकते हो, अपने प्रेमी से शादी करने के लिए छोरी ड्रामा नहीं कर सकती? तुम भाई की भलाई के लिए झूठ बोल सकते हो, खुद की पोती की भलाई के लिए क्या वो दादी झूठ नहीं बोल सकती? तुम्हारे लिए एक कायदा, उनके लिए दूसरा कायदा। तुमने अगर अच्छे के लिए किया तो उन्होंने भी अच्छे के लिए किया, तुमने अगर ठीक किया तो उन्होंने भी ठीक किया, अगर उन्होंने भूल की है तो तुमने भी जरूर भूल की है। तुमने अगर ये शादी करा दी तो मैं और मेरा मर्द यहाँ ठहर के फूल बरसा के बच्चे लोगों को आशीर्वाद देंगे, तुम अगर नहीं माने तो मैं अभी इसको तोड़ के चली जाऊंगी। मिस्टर राजामणि,
हमारे बच्चे जब तक प्यार में नहीं पड़ते हम उनके जीवन का फैसला कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब प्यार हो गया तो वो जीवन के मालिक खुद हो जाते हैं। अपनी आप बीती के प्रभाव को अपने बच्चों के सिर पर लादना इंसाफ नहीं है। जीवन क्या है, समझौता ही है ना। इनकी मिसाल लीजिए, इन लोगों ने कितने प्यार से समझौता कर लिया, अपने होनहार बच्चों के लिए खुद के उसूलों से समझौता करना भूल रही है। Happy married life. Thank you.